गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ब्लैक होल आज की गुफ्तु कावान है बादचा खान टाइमलेस विजडम हिज रेलिवेंस इन द प्रजेंट इरा लिहाजा आज का सेशन खुदाई खदमत गार तहरीक के बानी और अदम तशद के पैगाम ख़ान अब्दुलगफार बाचा खान की फ़िक्र और फलफे से मुतल है क्या उनके नज़रियात महज़ माजी का हिस्सा बनकर रह गए हैं या उनकी रेलेवेंस आज भी वैसे ही है जैसा उस जमाने में थी आ, हम बहुत शुक्रगुजार हैं ख़ादिमसैन साहब के हिज ऑन माई राइट आप हैं प्रोविंशियल कल्चरल सेक्रेटरी अवामी नेशनल पार्टी पखतूनखा के और शरीक गुफ्तु होंगे मेहरान वजीर हीज़ ऑन मई लेफ्ट आप हैं एग्जिव डायरेक्टर सेंटर फॉर रीजनल पॉलिसी एंड डायलॉग के इससे पहले कि हम आज का सेशन शुरू करें काइंडली आप मेरी तरह अपने सेलफोन जो है सैलेंट मोड में कर दें गुफ्तु में शर्क होने के लिए जब सवाल जो आपकी नशस्त के लिए हाउस ओपन हो, तो काइंडली रेज योर हैंड और माइक्रोफोन अपने हाथ में आने के बाद आप आ, अपनी बात पैनलिस्ट के सामने रखिएगा शॉर्ट और टू द पॉइंट रहिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो वो गुफ्तगु में शरीक हो सकें तो दोस्तों अब हम आज का सेशन जो है वो आगाज़ करें थैंक यू <laughs> बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग का यहाँ पे आने के लिए और ऐसे मौजू पे यहाँ पे बैठने के लिए कि जो हम समझते हैं या मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग समझते हैं कि आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है मुख्तलिफ़ हवालों से हम जब भी किसी जगह पे बैठते हैं तो किसी ऐसी शख्सियत जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है जब हम उनके बारे में बात करते हैं उनकी ज़िंदगी पे नज़र डालते हैं तो कई वजूहत हो सकते हैं लेकिन सबसे बुनियादी वजह ये हो सकती है या ये वजह होती है कि हम चाहते हैं कि उनके अफकार जो हैं वो आज भी हमारे लिए रहनुमाई बन सकते हैं तब ये बुनियादी वजह लेकर तब लोग बैठते हैं किसी की ज़िंदगी पे नज़र डालते हैं उनके अफकार पे नज़र डालते हैं ऐसा ही आज हम बादशाह खान के ज़िंदगी पे तो नज़र डालेंगे लेकिन उससे ज़्यादा हम कोशिश करेंगे के उनके अफकार पे ज़्यादा फोकस करें उन पे ज़्यादा बात करें यानी उनका ज़िंदगी का नजरिया क्या था वो दुनिया को कैसे देखते थे मुख्तलिफ तबकात को कैसे थे, इंसान को कैसे देखते थे और उसके अलावा इस दुनिया में मुख्तलफ जो नज़ाम है मजाहब है इनको किस नज़र से देखते थे फिर पोलिटिकल सिस्टम्स कैसे होना चाहिए माशी नज़ाम के उन सारे जो उनके अफकार थे वो जिस तरीके से वो देखते थे हम कोशिश करेंगे ज़्यादातर उन पे बात करेंगे क्रोनोलॉजिकल आपको पता है जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा क्रोनोलॉजिकल डिटेल्स मिलते हैं तो उसको हम कोशिश करेंगे अवॉइड करेंगे सिर्फ काफ़ी लोग जानते हैं मुख्तलफ नामों से बादशाहान को ज़ाहिर बात है जो भी बड़ी हस्ती होती है तो वक्त के साथ साथ वाक़ के साथ नाम दिए जाते हैं ख़ान अब्दुल गफार खान उनका नाम था जिस तरह लीगल नेम होता है और फ़्र अफ़ान एक और लकब है जो उनको दिया गया है फ़्र अफगान के बाद उनको बादशाह खान के नाम से जिस तरह आ, जो लैंग्वेज या उसका आ, लिमिटेशन होती है आ, और फिर बादशाह खान यहाँ पे बादशाह पश्तों में हम बादशाह को बादशाह कहते हैं तो उनकी ज़िंदगी से काफ़ी लोग वाकिफ़ है और वो किस तरीके से उनकी जदोजहद रही है बहुत तवील जदोजहद सबसे जो बुनियादी हमारा नुकता होता है जब भी बाजा खान पर बात करते हैं हम कहते हैं बहुत तवील जदोजहदवील तवील जहद से मुराद ये है कि मुख्तलिफ सिस्टम यानी कॉलोनियल जो स्ट्रक्चर था निज़ाम था वो और फिर पाकिस्तान के वजूद के आने के बाद और अभी तक उनकी झलक नज़र आती है वो तो हम डॉक्टर साहब से सुनेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें ऐसी है कि उन्होंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट की और आज हमें ज़रूरत है बादशाह खान की जो पैदाइश के बाद तकरीबन 20 साल के बाद उनके जदोजहद शुरू हो गई थी यानी उन्नीस सौ दस में स्कूल का आगाज़ किया सबसे पहले तो अठारह सौ नबे में पैदा हुए थे और उसके अलावा ये जो उन्नीस सौ बीस की दहाई है उसमें काफ़ी डेवलपमेंट जो उन्होंने की आ, या जो उन्होंने इदारों का बुनियाद रखा जो तहरीक असरा और उसके अलावा जो पश्तून या पख्तून रिसाला था उसका बुनियाद रखा ये पहला रिसाला था पख्तून रिसाला और ख़ुशस्मती की बात है कि वो आज भी उसी तरीके से पाबंदी के साथ चप रहा है और इसमें जो बुनियादी वजह ये है कि बादशाह खान हम एक जगह पे बैठे हुए थे तो किसी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा किसी हाल में बैठे थे कहते वो ये जो बाबा है इसकी तस्वीर यहाँ पे क्यों लगी हुई है मैंने कहा कि दो वजह मेरे जहन में आती है एक तो ये है कि ये एक तहरीक रखते हैं अभी तक एक तंजीम अभी तक वजूद में उनके अफकार की बुनियाद पर मौजूद हैं दूसरा ये कि उनके सारे अफकार आज भी रेलिवेंट हैं हम कोशिश करते हैं कि बात करें बुनियादी जो आज हम महसूस कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं जिन मसाइल का सामना है और हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से कि खान के, के अफकार से इन मसाइल से निकलने का हमें क्या रहनुमाई मिलती है किस तरीके से निकला जा सकता है क्या क्या उनके असूल हैं जिनकी जिन, जिन उसूलों के बुनियाद पर हम इन मसाइल से निकल सकते हैं डाक्टर साहब की इंट्रोडक्शन तो नैर साहब ने कर दी डाक्टर साहब अभी जो हम देख रहे हैं सारी दुनिया में मुख्तलफ अम्तलिफ़ जगहों पर मुख्तफ इलाकों पर जो सबसे बड़ा मसला लोगों को आ रहा है तशद जंग और लिंचिंग बहुत सारे जो तशद के जवाज है वो भी नज़र आ रहे हैं कहीं पे स्ट्रक्चरल है कहीं पे मजहब का जवाज़ इस्तेमाल होता है कहीं पे कौन सा कहीं पे कौन सा लेकिन बाचा खान नेदम तशद को बुनियाद बनाकर इस फलसफे को अमली तौर पे भी इस्तेमाल किया और इन 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 मसाइल से इन तशद से पैदा होने वाले मसाइल से बचने के लिए बाकायद रहनुमाई की है हम समझते हैं तो आप क्या समझते हैं कि क्या क्या ऐसे बुनियादी असूल अदम तशद को किस तरीके से उन्होंने अमली तौर पर इस्तेमाल किया कि वो तशद से निकला जा सके माशर और बहुत बहुत शुक्रिया ब्लैक होल आपका मेरान साहब नैर साहब और जो दोस्त यहाँ तशीफ लाएँ हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया दो तीन बातें इब्ता में जानना बहुत ज़रूरी हैं पहली बात तो ये है कि बादशाह खान कोई थ्यूरी नहीं बनाते थे बादशाह खान अमल के आदमी थे वो उनकी जो दानिश थी उनका जो विजडम था उनकी हमत वो धरती से फूटी हुई थी वो किसी फलसफे को सामने रखे या बादशाह खान और उनकी तहरीक किसी ख़ास फलसफ़े को सामने रखे या किसी फार्मूलेशन को सामने रख के कोई अमल उन्होंने कोई तहरीक उन्होंने शुरू नहीं की उन्होंने माशरे को देखा अपनी धरती को देखा आसपास के लोगों को देखा फिर दुनिया को देखा और रीजन को देखा खित्ते को देखा और उसी तरह अमल करते रहे अपने दोस्तों के साथ मिल के मशवरा करते थे जरगा करते थे डायलॉग करते थे नतज अखस करते थे और इस तरह आगे चलते थे तो वो कोई ख़ास एक्डेमिक थरी नहीं बनाते थे ना किसी ख़ास एकेडमिक थैरी के पाबंद थे ना उनके फॉलोअर थे एक तो पहली बात ये बहुत जानना ज़रूरी है जो भी उनकी दानिश थी वो दानिश ज़मीन से फूटी हुई थी वो धरती से फूटी हुई दानिश थी वो कोई इम्पोर्टेड या दरामदशुदा दानिश नहीं थी हेमत नहीं थी पहली बात तो ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है दूसरी ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब तक बादचाह खान पे बहुत सारा काम हो चुका है तकरीबन 12 पी एच डी थीसेस बादचाह खान पे हो चुके हैं जिनमें कोई दो पी एच डी थीस इब्तदान वो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी से हैं जिसमें से एक थीसेस जो किताबी तैबी शिकल में छपा बहुत मशहूर हुआ वो मशहूर इसलिए भी हुआ कि वो जो शाहरुख खान ने दिखाया है वो किताब दिखाई है तो उस शाहरुख खान की वजह से भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ द पठान अन आर्म्ड ये मकुलका बैनर्जी की किताब है जो उनके तीसिस पंद्रह साल एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी करके यहाँ पे वक् गुजार के पुख्तनख्वा में गुज़ार के, के और लोगों से मिल के और खुदा खिदमतगारों से मिल के उन्होंने नतीजा निकाला तो एक और किताब जो बहुत अहम है आ, बादशाह खान को जानने के लिए आ, वो एकनाथ इस जो अमेरिकन एकेडमिक हैं उनकी किताब का टाइटल बहुत खूबसूरत है द मैन हु मैचिस इज माउंटेंस अपने पहाड़ों जैसे कदावर आदमी ये इनकी ये ये टाइटल बहुत खूबसूरत है वो किसी और टाइटल से भी छपा और भी बहुत सारी किताबें हैं लेकिन बादशाह खान को समझने के लिए उनकी अपनी किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है ये जानना ये जो मैं बात कर रहा था तो बादशाह खान पर एक 140 के करीब किताबें लिखी जा चुकी हैं और हर साल दर्जनों किताबें छपती हैं ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस खत्े के तकरीबन हर पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान के अलावा इस खत्े के तरीबा हर बड़े मुल्क और हर मस्तकम रियासत के निसाब में शामिल हैं वह हिंदुस्तान के निसाब में शामिल हैं पढ़ाया जाता है उनको सेकेंडरी तालीम में भी पढ़ाया जाता है आला तालीम में भी पढ़ाया जाता है अफगानिस्तान में भी शामिल हैं अगरचे अभी वहाँ अफगानिस्तान की बजाय इस्लामी इमारत है लेकिन वो उनको इमारत में भी किताब से नहीं निकाला यहाँ से निसाब से बहुत अरसा पहले उनको निसाब बदर कर दिया गया है लेकिन अफगानिस्तान ने अभी तक उनको इमारत ने भी नहीं निकाला जापान में शामिल हैं तकरीबन तीस रियासतों रियासत हाई मतहद अमरीका की तीस रियासतों के सेकेंडरी निसाब में बाचा खान को पढ़ाया जाता है तो मतलब कहने का ये है कि ये जो आम सी एकेडमिक बातें हैं वो तकरीब सबकी समझ में है लेकिन जो असल है जो मगज़ है वो ये है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है आजकल जिस तरह भी हो रहा है जिस तरफ आपने इशारा किया आ, वो है तशद वो है इंतहा पसंदी वो है जंग वो है असलसाज फैक्ट्रियाँ वो है बंदूक बर्दारी, वो है प्राइवेट मलेशाएँ वो है फ़ौजें और कैनेटिक फोर्स के ज़रिए लोगों के की मार्किटों पे और लोगों की ज़मीनों पे और लोगों के पहाड़ों पर और लोगों के दरियाओं पर और लोगों के शहरों पर असर या कब्जा करना ये आ, इस पूरी दुनिया में है बादशाह खान समझते थे कि जब तक जंग ख़त्म नहीं होगी इंसान बशरीत के साथ ज़िंदा नहीं रह सकता बशर का बशरीत का या बशर दोस्ती का तकाजा ये है कि जंग ख़त्म हो कि जंग किसी सूरत में भी किसी हवाले से भी बल्कि एक मकाम पे तो ऐसा आया था कि आ, आ, दूसरी जंगजीम में फाशिज़म के ख़िलाफ़ जंग हो रही थी पूरी दु, दुनिया का इतिहाद हो गया था और एक जवाब भी था कि जंग ऑल इंडिया कांग्रेस जो बाचा ख़ान जिनके इतिहादी थे या खुदा मदगार तहरीक ऑल इंडिया कांग्रेस की इतिहादी थी उस वक्त आ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर उनको पूछे कि इतिहाद क्यों था तो ये वाक़ भी मैं सुना देता हूँ कि इतिहाद कैसे हो गया था क्यों हो गया था कुछ लोगों को इससे भी एलर्जी है ताकि वो मसला भी हल हो जाए तो ऑल इंडिया कांग्रेस की एग्ज़टव काउंसिल ने फैसला किया कि कुछ शराइ रख के यानी सेल्फ़ रूल के शरात रख के फाशिज़म के खिलाफ जंग की हिमायत की जाए तो बादशाह खान वाद आदमी थे उस एग्ज़िकटिव काउंसिल के जिन्होंने इससे इख्लाफ़ भी किया और ऑल इंडिया कांग्रेस की बुनियादी रुकनीत से भी इस्तीफ़ा दे दिया तो जो अदम तशद है या जंग के ख़िलाफ़ जो नुक़ नज़र है वो बादशाह खान का और उनकी तहरीक का सिर्फ की एक स्ट्रेटी नहीं थी इन हमत ये थी कि सिर्फ स्ट्रेटी नहीं थी ये अकीदा था अकीदा था और इस अकीदे की बुनियाद पर वो समझते थे कि बशर दोस्ती का बुनियादी तकाजा ये है कि इंसानों की इजारसानी और कायनत में जितनी भी मखलूक रहती है वह अक्सर कहा करते थे कि खुदा ने अपने अप फ़ात की मिसाल दिया करते थे उनकी अपनी किताब में भी है कि खुदा ने अपने आप को रबालमसलम नहीं कहा रबालमीन कहा तो रबालमीन में न सिर्फ़ ये कि तमाम मजहब के लोग शामिल हैं बल्कि उसमें चरंद परिंद और दरख्त और दरिया और पानी और पहाड़ सब शामिल हैं तो किसी भी चीज़ को इज़ारसानी पहुँचाना ये अदम तशद ना पहुँचाना या किसी भी चीज़ को इज़ा रसानी किसी भी तरह से इज़ा रसानी को रोकना ये अदम तशद है कहीं भी किसी हवाले से भी किसी इंसान को या मखलूक खुदा को वो अक्सर जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे वो खुदा की मखलूक का लफ़ अजिला इस्तेमाल करते थे इंसान की अजला वो बहुत कम उन्होंने इस्तेमाल किया है बहुत कम इस्तेमाल किया है वो मखलूक खुदा तो इसलिए खुदाई खदमत का जो तस्वुर उन्होंने दिया वो ये था बड़ा अजीब है ये भी कि पहले तो यह था कि खिदमत सरकार की की जाती है ख़िदमत खा की की जाती है खिदमत नवाबों की की जाती थी खिदमत अफसरों की की जाती है कमिश्नरों की, की जाती है लेकिन खुदा की खिदमत कैसे तो खुद ये बड़ा नया तस्वर था ये उस वक्त भी नया तस्वर था और अब भी नया तस्वर है कि खुदा की मखलूक की खिदमत करना वो खुद उन्होंने तश्री की ये आ, खुदा की खिदमत है तो खुदा की मखलूक की तो मखलूक मखलूक खुदा की खिदमत यानी मखलूक खुदा को अशरफ समझना मकरम समझना और मखलूक खुदा को हर इज़ारसानी से बचाना जिसमें अगर आप इसको दूर तक ले जाएं तो इसल भी आ जाता है बम भी आ जाता है टेंक भी आ जाता है लेकिन बादशाह खान सिर्फ़ यहाँ तक महदूद नहीं थे वो समझते थे कि माशरे के अंदर कहीं भी कोई भी इंसानी इंसान की मजलूमियत हो जहाँ भी इंसान की मज़लूत हो चाहे वो इमी मज़लूत हो या चाहे जहालत हो तो जहालत के ख़िलाफ़ लड़ना भी खुदा ख़दमत गारी है तो उस वक्त जब आ, पूरे खैबर पुख्तवा जो कहा जाता उस वक्त एन डब्ल्यू भी था पूरे खैबर पुख्तवा में डेढ़ सौ के करीब सरकारी स्कूल थे तो बादचाह उनके दोस्तों ने एक सौ चार बल्कि कुछ हद तक 126 कहीं कहीं पे आ, हमें सबूत मिलता है स्कूल बनाए और वो ऐसे स्कूल थे जिन जो धरती के निसाब पर मबनी थे तो एक तरफ वो स्कूल थे जो हर तरह से दुनिया से अलग करने के चक्कर में थे लेकिन दूसरी तरफ वो स्कूल थे जो गुलामी का सबक पढ़ाते तो प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज को यानी डी ऑफ नॉलेज की इब्तिदा उन्होंने बिल्कुल इब्त ही से की अभी सेल्फ रूल का या आज़ादी का की सियासी तहरीक शुरू नहीं की थी नाइनटीन ट्वेंटी नाइन नहीं आया था उन्नीस सौ उनतीस नहीं आया था ये उन्नीस सौ इक्कीस की बात मैं कर रहा हूँ 1910 से जो उन्होंने तजुर्बा हासिल किए 1921 में तहरीकी असलाफागना बनी तो इन जालत के हवाले से इंसान मज़लूम हो तो उसका उसका इलाज करना या उस के लिए खड़ा होना या उसके लिए मुबारसा करना भी अदम तशद है अगर कहीं आ, ऐसा है कि कोई एक ख़ास तबका किसी माशरे में मजलूम है महकूम है बेख्तियार है तो उसको इख्तियार दिलाना उसको स्टेटस दिलाना उसको तकरीम देना ये भी खुदा खिदमत गारी है ये भी अदम तशद है तो गैर तबकाती माशरे को कायम करना भी उनकी नज़र में खुदा खदमत गारी भी है और अदम भी है जैसे उन्होंने तमाम कसब गरों को जो हुनरमंद थे जिनको माशरे से निकाला गया था तमाम कसब गरों को तमाम हुनरमंदों को अपनी तनजीमों के अंदर भी और अपने सियासी निजाम के अंदर भी और इस्लाही तहरीक के अंदर भी बड़ा आला मकाम दिया और वक्त ऐसा भी आया कि करक के नवाब आ, को आ, एक उनके अपने एक नौकर ने इलेक्शंस में शिकस्त दिए ये बड़े बड़े आम सी बातें ही ये हमारे यहाँ बड़े आम सी बातें समझी जाती हैं अगर माशरे में कोई ऐसा तबका है जिन्स के लिहाज से जो माशरे से माशरे में ऑपरेस्ट है महकूम है तो उसको खड़ा करना उसके लिए खड़ा होना हर लिहाज से उसको हर लिहाज से जगह देना और उसके स्पेस के लिए मेहनत करना और उसे अपने घर से शुरू कर देना ये बड़ी अहम बात है अपने घर से शुरू कर देना तो अपनी बीवी से ले कर अपनी बच्चियों तक और अपनी बच्ची से ले कर अपनी बहुओं तक उन्होंने हर लिहाज से तमाम तर सियासी तलीमी माली माशी इकतदी एम्पावरमेंट दी तो सिंफी मसावत के कायल थे बादशाह खान समझते थे उनका अपना कौल है वो समझते थे कि इंसानी माशरा इंसानी जिस्म जैसा है अगर ये और वो समझते हैं कि इंसानी माशरा इंसानी जिस्म जैसा है और इसका एक हिस्सा मर्द है तो दूसरा हिस्सा औरत है या कोई और जिन्स है तो अगर एक हिस्सा इंसानी जिस्म का मफलूज हो जाए तो दूसरा हिस्सा हरकत नहीं कर सकता इसका मतलब ये है कि माशरे को इस तमाम वजूद को साल वजूद के साथ चलना होगा अगर वो साल मौजूद नहीं हैं अगर आप औरत को अकतसदी हवाले से सियासी हवाले से हवाले से महकूम रखते हैं उसको फैसला साजी में शर्क नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि एक हिस्सा इंसानी जिसम का एक हिस्सा मफलूज हो गया है तो तबकती मसावत और सिंफी मसावत भी अदम तशद का बायदा हिस्सा था फिर एक और बहुत अहम बात कि जहाँ जहाँ पे जोग्राफियाँ हैं इंसानी हैं, फितरी जोग्राफिया हैं और वहाँ पे लोग आबाद हैं और वो कौम बन जाती है वह हज़ारों सालों से कौम बन जाती है तो उस कौम की अपनी सकाफ़त, उसकी अपनी ज़ुबान ये मददरी ज़ुबान उनकी सकाफत उनके हुनर आ, उनका एहसास जमाल आ, उनकी हनरमंदी उनका कल्चर उनकी शनाख्त उनके वसाइल उनप इख्तियार ही अदम तशद है इसी को इन माशी लिहाज से अगर कोई माशी लिहाज से सियासी लिहाज से सकाफती लिहाज से और माशरती लिहाज से किसी कौम को किसी भी हवाले से महकूम रखना तशद है और इसके ख़िलाफ़ मुबारज़ा करना अदम तशद है इस वजह से वो समझते थे कि पुख्तून कौम उस वक्त जो बरतानिया था बरतानिया से आज़ादी के लिए पुख्तू को जो इब्तदान उनका पूरा कॉन्टेक्स्ट था माशरे का पुखून माशरा उसको आज़ाद होना चाहिए लेकिन वो पुख्तु माशरा सिर्फ नहीं हर माशरे को हर कौम को आज़ाद होना चाहिए तो इस वजह से वो समझते थे कि कौमी मसा तमाम कौम मसावी हों चाहे किसी की आबादी ज्यादा हो किसी की कम हो चाहे कहीं और आ, किसी की पास वसाइल हो, किसी के पास कम हो, तो उनको अपने दरमियान जो तनाज़ात हैं उन तनाज़ात का वाहिद हल डायलॉग है वाहिद हल मुकर हैं तो इस वजह से वो किसी तरह भी जंग के कायल नहीं थे उनका अक़ीदा था कि जंग हर लिहाज से ये हवानियत है ये आ, आ, ये ये जानवरों जैसा रवैया है ये इंसानी शर्फ के मुताबिक नहीं है ये बशर दोस्ती के ख़िलाफ़ है ये मखलूक खुदा की ख़िदमत के ख़िलाफ़ है तो कौमी मसावत भी अदम तशद का एक अहम हिस्सा था तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आ, अदम तशद जो बादचा खान की ज़िंदगी से हमें मिलता है आ, या अदम तशद जो खुद खिदगार तहरीक के हवाले से हमें मिलता है ये एक पूरा निज़ाम हयात है एक समझने में मोदी साहब का अतिला इस्तेमाल नहीं करना चाहता लेकिन ये एक ज़िंदगी का एक मुतबादल तस्वर है मौजूदा ज़िंदगी का जो भी तसवर रखते हैं आप ताकत के हवाले से टेक्नोलॉजी के हवाले से दूसरी चीज़ों के हवाले से तो बादशाह खान का तस्वर हयात वो एक मुतबाद तस्वरियात था ऐसा ऐसी ऐसी दुनिया चाहिए जो जंग से पाक हो ऐसी दुनिया जो महकूमियत से पाक हो ऐसा एस, ऐसी दुनिया जो तबकातीत से पाक हो ऐसी दुनिया जो जिनसियत से पाक हो ऐसी दुनिया जो नसल परस्ती से पाक हो और ऐसी दुनिया जो खुद कफ़ील हो ये बहुत अहम है ये आ, मैं बात करके फिर आप इस पर अगर कुछ बात करना चाहें ये बहुत अहम बात है आ, फिर अगर आपने मैनी मौजूदा दुनिया का जो दूसरा बहुत बड़ा मसला है वो मीषत का है भाचा खान बड़ा अच्छा और सादा हल इसके लिए पेश किया था सादा जिंदगी कम खर्च खुद कफील, पैदावार पड़ोसी ममालिक के साथ और रीजन के साथ तमाम कौमों के दरमियान तजारती ताल्ल भाईचारे के तलुकत अगर ये अब भी पाकिस्तान कर ले या जो भी खत्े के ममालिक कर लें तो मेरा ख्याल यह है कि वो समझते थे वो समझते थे कि यह पूरा खत्ता कि अगर कोई एक ट्रक मसलन बदखशां से शुरू होता है और वो कलकत्ते तक जाता है और उस कल उस ट्रक पे कोई वार नहीं करता तो ये पूरा रीजन अपनी शनाख्तों समेत अपने समेत अपनी सालिमियत समेत के साथ अपनी सालिमियत के साथ भी वो खुशहाल हो सकता है उसमें तबकातीत मुमकिन फिर नहीं होगी महकूमियत मुमकिन नहीं होगी और मीशत का आसान इलाज ढूंढा जाएगा वो समझते थे कि ये जो मीशत और अकतसात में लोग पेचीदगियाँ पैदा करते हैं ये जी का इस तरह और माकरानी इस तरह होगी और फिर बैंकिंग का निज़ाम इस तरह होगा और फिर वो तो वो सूद पर भी बातों उन्होंने बात की और बड़ी अच्छी बात की आ, लोगों का जो पुख्तुन माशरे के अंदर जो इसराफ का था कि बहुत सारे मरासम पर जो ज़्यादा ख़र्च लोग करते थे उसके खिलाफ बड़ी लंबी जदोजहद की खानों पर बड़ी लंबी जदोजहद की तो कभी कभार ये एनगोडस हैं खुद मुझे किसी ने सुनाया एक पुराने खुदा खदमत ने कि हमारे यहाँ एक मेहमान आए थे बलूचिस्तान से मेहमान आए थे तो मैंने सोचा कि बाबा को अलग सा उसका बड़ा घर था तो अलग सा एक जगह पर रखा जाए तो उनके लिए सब्ज़ी वगैरह बना दी जाए और जो मेहमान हैं तो उनके लिए कुछ सरदरिया वगैरह से मछलियाँ वगैरह पकाई जाएँ तो बाबा कमज़ोर हो चुके थे उस वक्त बारह लोग पड़े थे तो कावे सारे जमा हो गए मेहमान भी और ये मेजमान भी और बाबा के सामने बैठ गए तो उसको कहा मैं नाम नहीं लेना चाहता ये यहाँ लोग बैठे हैं जबरान वगैरह ये समय जानते हैं उनको तो उन्होंने कहा कि मैं मुझे बुला कि कहा कि इधर आओ तो मैं गया कहता है कि मेरी आंखें कमज़ोर हैं मेरी नाक काम कर रही है मैंने ये मछली की बू महसूस कर ली है ये देखें ये क्या आप समझते हैं कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ कितने लोग मछली का सकते हैं इस पूरे पुख्तनखा में मुझे गिन कर बताएं अब अगर सारे लोग मछली नहीं खा सकते तो आपका खाना मछली का खाना का ये जुल्म है ये ज्यादती है पहले आप ये तकसीम करें तो उनका एक बड़ा मशहूर मकूला है मेरा ख्याल है कि तमाम दुनिया का की मीशत का इलाज मैंने कहा कम खर्च सादा जिंदगी कम पैदावार खुद कफीलत खुद कफालत और खुद कफालत के साथ साथ तजारती ताल्लान तो वो, वो पुशतों का उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त लिखा भी है आ, कि हमारा हमारी मतम नजरिया हमारी जिंदगी इस तरह होनी चाहिए कि पूरे भी कसपूरा पेशरी कब जिस तरह भी होगा मीन चाहे कम हो या ज़्यादा होगा ये हमारा हमारी मुश्तर शरात दारी होगी हमारी सारी मीशत में वसायल में शरकत दारी होगी लेकिन इस चीज़ का साथ साथ एक और चीज़ पर वो बहुत ज़्यादा ज़ोर देते थे और आखिर तक जोर दिया कि इसको जायज़ नहीं करार दिया जा सकता किसी भी हवाले से माज चाहता हूँ किसी भी हवाले से इसको जायज नहीं करार दिया जा सकता कि एक कौम अपनी कफालत के लिए दूसरी कौम के वसायल पर कब्जा कर ले इसको जायज नहीं करार दिया जा सकता आपस में भाईचारे के साथ लेन देन हो सकता है तिजारत हो सकती है लेकिन यह बिल्कुल भी जायज़ नहीं कि ताकत के जरिए या धोखे के जरिए ताकत या धोखे के जरिए एक कौम दूसरी कौम के वसाइल पर कब्ज़ा करे और अपने बच्चों के लिए दूसरे के दूसरों के बच्चों का नवाले चीन लें ये नहीं हो सकता ये नहीं होना चाहिए तो ये शुरू करते थे अमेरिका से शुरू करते थे और आके पंजाब पे ख़त्म करते थे और ये बताते थे, थे तो ये आ, उन्होंने बताया है ये कोई चुपाने वाली बात नहीं उन्होंने बताया है कि ये जो अशराफिया की पैरसटिक बिहेवियर है पाकिस्तान में जो अशराफिया की आ, की की, की तफैलीत तो का रवैया है ये तफेलीत तो का रवैया इस पूरे मुल्क को ले डूबेगा तो, तो वो क्या कहा करते थे कि फ़लाही मुमलिकत के अलावा और कोई चारा नहीं वो समझते थे कि अफग़ानिस्तान में जो जिहाद के नाम पे शुरू हुआ है ये हर गली में खून बहेगा जिहाद के नाम पे जो जंग शुरू की गई है ये अमेरिका और रूस की जंग है ये दो हाथियों के दरमियान जंग है और मज़लूम लोग इसके दरमियान कुछ ले जाएंगे तो इस वजह से कि अफगानिस्तान पर कब्ज़ा करना है या वहाँ नफूज क़ायम करना है या सोवियत यूनियन को शिकस्त देनी है तो सोवियत यून को शिकस्त देने के लिए यहाँ पे प्राइवेट मले मलेश बनाई जाती हैं फिर उस उनको असलाह तमा दिया जाता है फिर उनके पैसों के लिए मनशियात का कारोबार शुरू किया जाता है और इस इस तरह इस, तरह इस पूरे माशरे को नशाजदा बना दिया गया है और इस तरह इस पूरे मुल्क को जंग में धकेल दिया गया है और ज़ाहिर है कि पुख्तुनों की बात करते थे कि पखतूनों को बी जंग में धकेल पुख्तु को ईंधन बना दिया गया है ये अक्सर वो कहा करते थे मसलन वो वो कहा करते थे कि जब तक आपकी पॉलिसी आज़ादाना नहीं होगी खारिज़ा पॉलिसी जब तक आपकी पॉलिसी नॉन एल्ड नहीं होगी उस वक्त उस वक्त तक मसले का हल मुमकिन नहीं है अब भी अगर आप देख लें तो ये जो अफगानिस्तान के अंदर कुछ हो रहा है या जिस तरह हुआ और जिस तरह ये पॉलिसी आज़ादाना नहीं है कहीं और बनती है पार्लिमान में नहीं बनती पार्लिमान बला दस्त नहीं है तो इसके साथ एक और बात भी वो करते थे कि जब तक जमूर की हुक्मरानी नहीं होगी उस वक्त तक बात नहीं चलेगी बल्कि ये भी इस पर भी लतीफ़ा है वो का ख़ुद उन्होंने लिखा है कि अर्षनगर के लोग जमा हो गए बड़े अच्छे बुजुर्ग जमा हो गए तो उन्होंने कहा कि आज से हम आपको बादशाह बना लेते हैं तो मैंने उनसे उनसे कहा कि भाई हम जो बादशाह बनाएंगे वो लोगों की राय से बनेंगे और लोगों की राय से वो हुकूमत करेंगे आ, आ, लेकिन हम तो बादशाहत आ, के आ, बादशाहत के हवाले से कोई हमारा तस्वर नहीं है बादशाहत का जो तस्वर है वो हमारा नहीं है हमारा तस्वर लोगों की हुक्मरानी का लोग अपने ऊपर ख़ुद हुक्मरानी करेंगे तो अवामी हुक्मरानी का जो तस्वर था वो समझाते भी थे वक्तन फ़ोक्ता समझाते थे भी आज भी अगर आप देख लें तो मीशत के हवाले से अफगानिस्तान अफगान पॉलिसी के हवाले से आज़ाद खारजा पॉलिसी के हवाले से ज़िंदगी के गुजारने के यानी हम जहती के हवाले से मजहबी रवादारी के हवाले से मजाहब तमाम मजाब के अहतराम के हवाले से उनकी जो उनका जो अमल है या उनकी जो जद जहद है जो मुबारजा है वो इतना रिलेवेंट है आज भी यानी जंग के हवाले से तशद्द के हवाले से दहशतगर्दी के हवाले से इंतहा पसंदी के हवाले से तजारती ताल्लात के हवाले से आज़ाद खारजा पॉलिसी के हवाले से अवामरानी के हवाले से आज भी इन अवी हुरानी का की सूरत हाल ये है इस पर मैं बात ख़त्म करता हूँ कि फिर आप अगर पूछना चाहें या बात करना चाहें तो उस पर मज़ीद बात होगी कि अवमी हुक्मरानी के हवाले से आज भी सूरत हाल ये है कि एक इदारे के सरबरा वो सनतकारों से मिल के मिल की मैशत्ती करना चाहते हैं किदारे के सरबरा दूसरे ममालिक से कर्ज़ लाना चाहते हैं ये जो कर्ज का तस्वर है एक तो ये तस्वर दूसरा तस्वर और फिर ये ख़ुद मुख्तारी का तस्वर इन्हें ये जो कौमों की मसलन अगर आप तमाम वफाकी इकाइयों को ख़ुद मुख्तार मान लें तस्लीम कर लें उनकी शनाख्त उनकी कदरों समेत तो क्या बलोचिस्तान का मसला मुमकिन था मेरे ख्याल है नहीं था क्या पुख्तनख्वा में ये दहशतगर्दी मुमकिन थी मेरे ख्याल है कि नहीं थी क्या ये इस पूरे मुल्क में ये इंतशार और सियासी अदम इसकाम मुमकिन था बिल्कुल मुमकिन नहीं था तो आज भी सूरत हाल ये है कि अवमी हुक्मरानी उस जगह पर खड़ी है जहाँ पे आप समझ लें कि महकूमियत का एक नया दौर है जिसे टेक्नोलॉजिकल महकूमियत कह सकते हैं या मॉडर्न महकूमियत कह सकते हैं कि एक अदारे के सरबरा आपके लिए मीशत भी चलाते हैं खारजा पॉलिसी भी चलाते हैं दाखला पॉलिसी भी चलाते हैं आपके लिए वजी अजम भी मुकर करते हैं आपके लिए निगरान काबीना भी मुकर करते हैं तो ये जो बाचा खान का मुबारजा था पाकिस्तान से पहले इन तकसीम से पहले और तकसीम के बाद ये ऐसा नहीं था कि कोई स्मूथ सेलिंग थी हमवार सफ़र नहीं था तीस साल तो मैन उस उनकी ज़िंदगी का हर तीसरा चौथा दिन जेल में रहा उनकी जैदाद जब्त हो गई जब्त हो गई उनको जलावतन किया गया उनको उनको और उनकी साथियों को गोलियों से भून दिया गया फिरंगियों ने भी किया उन्नीस में उनकी पसलियाँ तोड़ दी गईं उन्नीस सौ तीस में किस खानी में भी हुआ टक्कर मर्दान में भी हुआ स्पिन तंगी में भी हुआ और फिर बाबड़ा में भी हुआ और उनकी वफात तक ये सिलसिला चलता रहा बल्कि जब वो वफात पा रहे थे ऐसे बहुत से कम लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो वफ़ात पा रहे थे तो उस वक्त भी वो नज़रबंद थी वो टू यू बहुत शुक्रिया और मेरे ख्याल में जितने भी मौजूद थे बड़ी बेहतर तरीके से हमारे सामने आ गई है जिस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया और मिसालों के साथ क्योंकि हम चाहते भी थे कि मौजूदा हालात के मुताबिक मिसालें बादशाह खान का एक तो प्रिंसिपल था जिसका मैं जिक्र करूंगा वो कहते थे कि मोलियों की एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती वो ये कि वो अंग्रेज़ों के स्कूल से बच्चों को रोकते हैं लेकिन ख़ुद कोई स्कूल नहीं बनाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि नहीं अमली तौर पे ऐसा होना चाहिए कि आपने रोका इलम से जो भी जवाब बनाया मतलब अंग्रेज़ का स्कूल है लेकिन आपने बनाना है स्कूल उनके लिए अपने तर तरीके से तो ये जो उसूल है उससे मुझे उनकी ज़िंदगी का जो आपने बताया कि सादा ज़िंदगी दुनिया में बड़े नेचुरलिस्ट है जो सिर्फ इस पर काम करते हैं कि खर्च मुझे बादशाह खान ने जो लिखा है वो मुझे याद है वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी मैंने कर्ज़ लिया हो किसी से वो उसकी वजह बताते हैं कि कर्ज़ इसलिए मैंने नहीं लिया कि मैं ख़र्च को उस मुताबिक रखता था कि मुझे ज़रूरत ना पड़े एक्स्ट्रा पैसों की अगर इस पर हमने बहुत ज़्यादा बात की बल्कि हर कोई बात कर रहा है बल्कि सोच रहा है इस पर कि पाकिस्तान में मीशत का जो इशू है जो क्राइसिस है जो हम कर्ज़े लेते हैं उसमें जो हमारी स्पेंडिंग है जो हमारे अखराज है वो इतने गैर ज़रूरी है वो इतने गैर ज़रूरी प्रोटोकॉल्स और चीज़ों पे खर्च होती है कि हमें फिर कचकोल लेके जाना पड़ता है फिर हमें कर्जा लेना पड़ता है अगर हम चंद असूलों को अप्लाई करते हैं जो हो चुके हैं मतलब कोई ऐसी बात नहीं है तो बहुत मुमकिन है मतलब काफ़ी हद तक मुमकिन है कि हम इस तरह के कर्जों से आ, आ, बचा जा सके और हम मोली साहब की बात आपने की तो मुझे बाचाहान के कोले याद है उस पर एक छोटी सी बात मैं करना चाहूँगा वो उन्होंने खुद लिखा है उस वक्त के हवाले से लिखा है वो जो एनटी तीसान कि वो वो समझते थे बल्कि उन्होंने कहा है कि पुख्तनों की तरक्की में दो बड़ी रुकावटें हैं ख़ुद लिखा है उन्होंने कहा कि पखतू की तरक्की में दो बड़ी रुकावटें हैं एक ख़ान और दूसरा मुल्ला अच्छा अब सूरत हाल ये थी सूरत ये थी उस वक्त कि ये दोनों किसी न किसी हवाले से उस वक्त और अब भी अगर आप देख लें किसी न किसी हवाले से मुकतदरा के इतिहादी होते हैं चाहे वो अंदरूनी मकतदरा हो चाहे वो बेरूनी मकतदरा हो तो बादशाह इस वजह से समझते थे कि जब तक किसी कौम की या किसी माशरे की अंदरूनी तो को बहाल न किया जाए जब तक कि वो जैसे टूट पूट उसमें तारीखी तौर पे आई है मुख्तलिफ तीन तबकारी टूट पूट आई है जिनसी टूट पूट आई है सिनफी टूट पूट आई है इल्मी टूट पूट आई है तो जब तक कि अंदर की टूट पूट को जोड़ा ना दिया जाए उस वक्त तक आज़ादी को कायम रखना बल्कि वो बताते भी थे कि पुख्तून बादशाह तो बन जाते हैं लेकिन अपनी बादशाह मुसलसल दुआदार नहीं बना सकते कायम नहीं रह सस्टेन नहीं कर सकते मिसालें दी हैं शरशा की मिसाल दी है आ, सूरी की लूदी की मिसालें दी हैं उन्होंने कहा कि वो सस्टेन नहीं कर पाए वो सस्टेन इसलिए नहीं कर पाए कि जो उनका माशरा था वो अंदर से टूटा फूटा था वो नहीं कर सकते थे ऐसा तो इसके लिए उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जो उन्होंने निसाब बनाया तो निसाब में एक तो जो सालाना जलस होते थे आज़ाद स्कूलों के सालाना जलसों में वो बहुत बड़ा मुशारा जिसमें हज़ारों लोग शायरी सुनते थे बहुत बड़ा मुशारा होता था इस वजह से और उन्होंने इन्हें ये जो पुशतों की नई नजम है ये जो पुशतों की नज़म है वो बेसिकली खुदा मदगार तहरीक की पैदावार है ये उनकी दिन है ये उससे पहले नजम नहीं थी वो फ़ारसी नुमा किस्म की शायरी थी इस तरह की गज़ल की शायरी थी आ, वो जो उसने कहा ना हमीद बाबा ने कहा कि फ़ारसी वानरत गुति पख्ल की जहमद हमीद गज़ल सराश पख्तों की तो वो मैंने फ़ारसीों के साथ इन पर्शियन पोइट्री के साथ परशियन पोइट्री के असर शायरी होती थी जो नई नजम है जिसमें ख़याल का इजहार होता है वो खुदा खमत गार तहरीक की पैदावार है तो वो हर जगह पर मुशायरे करवाते थे एक दूसरी चीज़ जो कल इस पर बात हो रही थी और मैंने उस तरफ इशारा भी किया लेकिन चले मौक़ा मिला तो अब बात कर लेते हैं जो मॉडर्न थिएटर है पीपल्स थिएटर वो जिस तरह बादशाह के साथ ही खुदा खिमद गार तहरीक नेरूज तक पहुँचाया ये बड़ी हैरतनाक बात है समझ समझा तो यही जाता है ना कि जैसे आपने बात की कि रिवायती तौर तो पे होगा और ये नेचुरलिस्ट किस्म का होगा तो बड़े मॉडर्न किस्म यानी बड़े किस्म के नहीं बड़े मॉडर्न अंदाज से यानी ये मददगार तरीक सबसे मॉडर्न तहरीक थी उस, उस दौर की तो थिएटर से काम लेना तो ड्रामे लिखे जाते थे अब्दुल अकबर खान अकबर ने ड्रामे लिखे नवाज जलिया ने ड्रामे लिखे दूसरे अब्दुल खालिक खलीक ने ड्रामे लिखे वो स्टेज हुए और उसमें एक ड्रामा था बड़ा मशहूर हुआ और अब भी बड़ा मशहूर है द्रे यतीमान तीन यतीम तो उसमें बादचाह खान के दो बड़े बच्चों ने खुद अदाकारी की वली खान और वली खान और गनी ख़ान दोनों आज़ाद स्कूल के तालब इम थे मैंने कहा वो अमल के आदमी थे अब हम सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं लेकिन अपने बच्चों को वहाँ दाखिल नहीं करवाते वो जो उनके आज़ाद स्कूल थे तो उन्होंने अपनी दोनों बच्चों को और अब एक बच्ची को तीनों को वहाँ पर दाखिल करा दिया था और तो वो जो ड्रामा हो रहा था तो उसमें खुद ये अदाकारी कर रहे थे तो वो अदाकारी इतनी ज़बरदस्त थी आ, दोनों यतीम बच्चों का किरदार अदा करते गनी ख़ान और वली ख़ान के मजमे में से बड़ा मजमा होता था तो मजमे से एक साहब उठे एक बुजुर्ग उठे वो आके उन्होंने कहा कि बड़ी हमदर्दी का इज़हार किया और कुछ पैसे उसके जेब में डालें कि पे ये बेचारे ये यतीम बच्चा है तो उस पर बड़ी गुजर रही है मुश्किल गुजर रही है तो थिएटर फिर ये पु, का मीडिया नहीं था इन जो इंडिजनस मीडिया था वो नहीं था तो पुखतुन रिसाला, पुख्तन मजला जैसे जिसका आपने भी जिक्र किया इसके साथ साथ आप इन फ़न के हवाले से आ, अदब के हवाले से मादरी ज़ुबान के हवाले से आ, जो उनका काम था वो इतना हम था इतना हम जहत कि शायद पुशत तो अदब के हवाले से और पुशतो ज़ुबान के हवाले से अगर आप तहरीकों का जायजा लें तो खुदा खिदार तहरीक बी स्टैंड आउट तो ये अंदर के माशरे को उनकी शनाख्त को आ, कौमी शनाख्त को माशरे की शनाख्त को अंदर की टूट फूट को पैवन लगाना उनको जोड़ना ये मुराद तो, तो मुतहरक बनाना इन माशरे को मतहरक बनाना तो आप मौजूदा मसाइल की बात कर रहे थे तो इसमें मैं ये ऐड करना ये चाहता था कि वो माशरे का जो मुतल का माशरा है रेलिवेंट यानी रिस्पेक्ट माशरे उस माशरे को मतहरक बनाना और उसमें जो तोानाई खर्च हुई है उस तोानाई को बहाल करना अदब के ज़रिए जमालियात के ज़रिए हनरमंदी हुनर, का बड़ा अहम ये नुक़ँ बहुत ज़रूरी है बयान करना बुनियादी तौर पर ये जो आप चार में अभी चप्पल का देखते हैं चार सदा वाला चप्पल ये उनकी देन है ये जेल से आए तो ये चप्पल बनाने के जूते बनाने के का कारखाना कायम किया और वहाँ पे लोगों को सिखाया कि किस तरह बनाया जाता है चमड़े से किस तरह बनाए जाते हैं बादशाह खान खुद कहते थे कि मुझे जेल में मुशक्क़त जो रिग्रेसनमेंट होती है ना मुशक्क़त तो उस मुशक्क़त तो में कुछ लोग कुछ करते थे कुछ कुछ करते थे मुझे खड़े पे खड़े पे खड़ा खड़ा खड़े पे काम करना अच्छा लगता था यानी उससे कपड़ा बनाना और आपको जान लेना चाहिए कि उस वक्त पुख्तून माशरे में जो लाहा ये गाली समझी जाती थी कि सुख को जो कहना वो माशरे से बिल्कुल बाहर था तो बादचाह खान ने जो सबसे महकूम तबका था उसका पेशा अपनाया तो ये जो कपड़े का कारोबार चाहता था मैं कपड़े का कारोबार भी बहुत ज़्यादा है बल्कि पूरे पुखनखवा तो में तो उसमें ये जो कपड़े का हनरमंदी को तो जब अच्छा तजारत को बहुत से ख़वान से कहा कि आप अपनी मंडी खुद बनाएं जो गने से आप गुड़ बनाते हैं तो आप अपनी मंडी खुद बनाएं यहाँ से बेचें तो वो दरमियान में एक तो अड़थ चला गया अर्थी दरमियान में तीसरा जो आदमी था वो चला गया और खवानी के अंदर उस पुख्तु माशरे में जो तजारत को मायूब समझा जाता था वो एहसास को भी इसी तरह तब्दील किया कि खुद अपनी मंडी में काम करते थे ये ये मैं बताना चाहता था कि किस तरह इकतसादी तौर पर और किस तरह फनी तौर पर और किस तरह हनरमंदी के ज़रिए और किस तरह अदब और शायरी के जरिए वो माशरे की और कौम के जो जो जो, 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 जो उनकी टूट फूट थी वो किस तरह उन्होंने जोड़ दी थी अगर देखा जाए डॉक्टर साहब कि जो कॉलोनियल जो इरादा उसने हमें ये नहीं लगता सिर्फ कि अंग्रेजों ने हुकूमत की हकूमत नहीं की ये जो आपने कहा माशरे को थोड़ा सिनफी बुनियाद पर तकसीम आ, रंग की बुनियाद पर तकसीम उसके बाद जितना भी आर्टिज़न पूरा एक हुनरमंद जो तबका था जो वर्कर थे उन सारे लोगों को उसको बहुत नीचा दिखाया कोशिश की बुनियादी तौर पे और ये हम जब कहते हैं कि बादशाहान का पूरा सफ़र डिकॉलोनाइजेशन के प्रोसेस है उसमें हम ये चीज़ें शामिल करते हैं जो आप जिनका आपने ज़िक्र किया उसमें एक चीज़ है कि हमें आज जो मुसीबत है तालीम की आ, इसके आ, की बुनियाद पे जो हम आ, हमें फेस करना पड़ता है वो ये है कि तालीम से हुनर एक तो तालीम के साथ तालीम व तरबियत तरबियत का ची वो जोड़ दिया है वो आप जानते हैं कि तरबियत का मतलब क्या होता है ये जबरी जो हुबलवतनी है या जो ऐसी चीज़ है कि शायद हम इससे कहीं पे भी नहीं जा सकते हमें अगर जाना भी है तो जो डॉक्टर साहब ने ज़िक्र किया या जो खान चाहते हैं कि कौमों की मसावात जो होती है हर कौम हर यूनिट को इख्तियार है उसके इख्तियार में इजाफ़ा उसके इख्तियार को समझना यानी उसके वसायल के इख्तियार हर चीज़ को तो ये गैर ज़रूरी या मतलब मतलबी जो है वो हमें कहीं नहीं लेके जा सकती तो तालीम जो है उसमें यह था कि आजकल जब हम देख रहे तालीम हुनर से तालीम मार्केट से तालीम माशरे से तालीम जो कमाने के ज़रिए हैं उनसे काफ़ी दूर है तो हम क्या बादशाह के तालीम का जो नज़र है तालीम की तरफ उससे हमें क्या मिलता है दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और ये बात करके फिर शायद हम सवाल की तरफ जाना चाहेंगे जो भी दोस्तों के सवालत होंगे मज़ीद इससे बात खुलेगी दो तीन चीज़ें जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया बाचा खान डी कॉलोनाइज़्ड एजुकेशन के हक में थे वो ऐसे तालीम के हक में थे जो धरती के बुनियादी मसाइल पे गौर करने से जन्म लेता हो मुशाहे से जन्म लेता हो तो इस वजह से आज़ाद स्कूलों का हर तालब इम किसी न किसी हुनर में यकथा होता था उसे मतलब मुख्तफ किस्म के हुनर होते थे तो उस किसी न किसी हनर में उसे महारत हासिल करनी होती थी आ, एक तो ये दूसरा ये कि बाचा खान तालीम को जबर नहीं तस्वर करते थे गनी ख़ान ने बड़े अच्छे वाक़ात सुनाए हैं मैं उस पर आपको तंग नहीं करना चाहूँगा वो ख़ुद तालबिल्म थे तो बड़े अच्छे वाक़ात उन्होंने सुनाए हैं वो कहते थे कि जो जहाँ जो जिस क्लास में हम पढ़ते थे तो फिर जब खेलने के बाद आते थे तो उसी क्लास में फिर हम सोते भी थे वो हमारा ये बोर्डिंग स्कूल होते थे आज़ाद स्कूल जो थे वो बोर्डिंग स्कूल होते थे तो उसी क्लास में हम पढ़ते भी आ, सोते भी थे रात भी गुजारते थे और तो जब हम ये आ, उठाते थे सुबह तो अक्सर बेशतर उसके नीचे कोई बिच्छू वगैरह निकल आता था, था। तो उसे भी हम आ, मारते थे लेकिन मार के फिर माम समझते थे कि एक हम हमसे कोई गलती हो गई इसलिए तशद तशद इतना पढ़ाया जाता था कि ये ये भी पे तशद करना का जायज़ भी है कि नहीं जायज़ ये भी एक बहस होती थी तो ए, एक तो ये बात कि हुनरमंदी उसमें थी और वो इंडिजनस मसाइल की बुनियाद पर थी लेकिन वो ये समझते थे कि जो मॉडर्न दुनिया में जदीद दुनिया में जिन जिन चीज़ों की इजादत हुई हैं उनसे भी बेखबर रखना वो भी जहालत है तो इस वजह से साइंस और जो मौजूदा ज़बानें हैं सैंस और अंग्रेज़ी अरबी और फारसी समेत वो भी पढ़ाई जाते थे सैंस और मैथ्स मीन रेजी भी पढ़ाई जाती थी उसके साथ साथ चूँकि मजहब को वो मुल्ला के हवाले से तो काफ़ी परेशानी थी तो मज़हब को समझना ज़रूरी है ताकि वो ब्लैक मेलिंग ना हो मज़हब के ज़रिए तो इस वजह से वो क़ुरान और हदीस भी उन मजामी में शामिल था जो बच्चे वहाँ पढ़ते थे और वैसे जैसे गनी ख़ान की शायरी ने जिस तरह फिर एक तस्वुर पेश किया जमालियात को और इंसानी ज़िंदगी का तो उसमें आ, वो इल्म भी शामिल था जो उन्होंने आज़ाद स्कूल में हासिल किया था कि किस तरह आ, म, 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 किस तरह वो यानी मज़हब को मुल्ला या मजहब को जो क्लर्जी है मजहब को किस तरह ट्विस्ट करके वो अपना मतलब निकाल लेता है वो अपना मफाद के लिए काम करता है दूसरा ये था कि इसमें हुनरमंदी के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन डीकोलोनाइजेशन और और बादशाह खार उनके साथ ही चूंकि आज़ाद जमा मिलिया से उनके साथ रजिस्टर होते थे इफ़िलटेड होते थे दिल्ली की जामिया मल्हे से और याद रहे कि जामिया मिल्ह वो वो मद आ, इदारा है जिसमें जो जिनके एक प्रिंसिपल डॉक्टर जाकिर हुसैन थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो बाद में आ, इंडिया के भारत के हिंद के सदर भी बने जमहूर हिंद भी बने तो इस तरह के लोग वहाँ पे मौलाना शोकत्ल और मौलाना मोहम्मद अली जौहर जैसे लोग भी वहाँ पे होते थे तो दूसरी तीसरी जो चीज़ उसमें मौजूद थी वो ये थी कि बादशाह खान और उनके साथी तालीम को किसी ख़ास रोज़गार के लिए इस्तेमाल के लिए लोग तैयार नहीं करते थे किसी ख़ास डिग्री के ज़रिए मुलाज़मत के लिए लोग तैयार नहीं करते थे वो एक लिबरेट एजुकेशन थी लिबरेटेड आजाद आज़ाता जिससे सोचा जाए चीज़ें बनाई जाए खुद कारोबार किया जाए और तमाम के तमाम जितने भी कल्चर हैं सकाफती सरगर्मियाँ हैं माशरती सरगर्मियाँ हैं सियासी सरगर्मियाँ हैं अकतदी सरगर्मियाँ हैं उसमें तालब इल हिस्सा ले सकें तो मेरे ख़्याल है कि एक ऐसे माशरे का तस्वर इससे जन्म लेता है जो खुद कफ़ील हो जो आज़ाद हो और जो ख़ुद मुख्तार हो और जो ख़ुद अहतमाद भी हो जिससे किसी ख़ास तरीके से किसी की मुलाजमत न करनी पड़े तो मेरा ख़्याल है कि तलीम के हवाले से उनका जो तस्वर था वो एक डी कुलनाइज़्ड लिबरेटेड एजुकेशन बहुत-बहुत शुक्रिया। अभी सवाल जवाब के सिलसिला से, से पहले बचा खान की जो खुद लिखी किताब है पश्तों में जमा उसका जद तरजमा भी है मेरी जिंदगी और जदजहद और इंग्लिश माय लाइफ एंड स्ट्रगल जो डॉक्टर साहब ने पहले एक इशारा किया एक बात की तरफ कि कियासरे लिखे गए हैं उनके मुख्तलफ अफकार को इंटरप्रेट किया गया है तीस लिखे गए हैं उन अदवार पे बात की गई है वाक़ पर बात की गई है लिखे गए लेकिन अगर उनको समझना है बहुत आसान अल्फाज में उन्होंने सारी चीज़ों को बड़ी आसानी से तो मैं कहता हूँ कि सबसे बेहतरीन जरिया पाशाह खान के अफकार को समझने का उनकी अपनी लिखी हुई ये आबीती है किताब है अब हम दरख्वास करेंगे कि जिनके पास कोई सवाल है तो मुख्तर प्लीज़ डॉक्टर साहब सॉरी उन्होंने मुख्तर किया लेकिन तीन सवाल हैं क्विकली मैं नाइनटीन सेवेंटीज़ में और एटीज़ में बादशाह खान का बहुत असर था एन डब्ल्यू एफ पी में जो जो पश्तून सारा इलाक़े आज जो के पी गो तो आ, लेकिन मैंने ये आ, उस वक़्त भी महसूस किया था कि हमें पता उनकी आ, आपने भी अभी उस पर उनकी जो प्रीचिंग थी वो एक तो नॉन वायलेंस और दूसरा जेंडर जेंडर जेंडरटी एक्वेलिटी भी उनकी उसमें शामिल थी लेकिन आ, हमने देखा है कि उसी ज़माने से पश्तून का कंसेप्ट मैं तालिबान से पहले की बात कर रहा हूँ वो टोपक जमा कानून वाला था कि एक वॉरियर नेशन एक, 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 एक मार्शल रेस और थिंग्स लाइक दैट और मज़े की बात ये थी कि पश्तून अपने आप को से डिसोसिएट नहीं करते थे बल्कि आइडेंटिफाई होना चाहते थे उस उस तरह पश्तून स्टूडेंट फेडरेशन के लड़के मेरे दोस्त थे जाए? ऐसा क्यों था पहला सवाल कि अगर उनका इतना असर था नाइनटीन में और एटीज़ में तो, ज, आ, तो जेंडर आ, एक्विलिटी के इंडेक्स में भी पश, जो पश्तून इलाके थे वो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से बहुत पीछे आते थे सिंध या पंजाब के हिसाब से दूसरा सवाल मैं पार्टियों का नाम नहीं लूँगा जब आ, अभी टेक ओवर हुआ है वहाँ पे आ, तालिबान का आ, काबुल का तो उसको पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया तक शर पार्टी हैं सिवाय एक दो पार्टियों ने असूली मौकफ लिया है जो प्रोग्रेसिव पार्टीज हैं थोड़ी सी एक आ, जिसका ताल्लुक सिंध से है और दूसरा कोर्स जो आपकी अच्छा आ, आ, वैसे तो कौनी पार्टी है जो पाएगा वो सिंध तक महदूद होगी इन उनके अलावा ज़्यादातर ने सेलिब्रेट लेकिन एक पार्टी ने खसूस उसको सेलिब्रेट किया था उसको कोट अनकोट अमेरिका की शिकस्त और पाकिस्तान के साथ सेरा लेने की कोशिश की थी बाकायदा मैंने कहा था पंद्रह अगस्त चूँकि वो था आ, इंडिया का आ, था तो बड़ा खूबसूरत तोहफ़ा तालिबान ने इंडिया को दिया चूँकि इंडियन गवर्मेंट ख़त्म कर दी वहाँ पर अच्छा सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी का शिकार पश्तून है सबसे ज़्यादा शिकार वो है पश्तून सवाल एक जिस पार्टी ने सेलिब्रेट किया था सबसे ज़्यादा उसको उनकी तालिबान की फतः को उसकी फॉलोइंग सबसे ज़्यादा क्यों है पश्तून इलाकों में क्या उनको क्या वो मिलिटेंसी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि बहरहाल उस पार्टी का सॉफ्ट कॉर्नर मिलिटेंट्स की तरफ रहा है तीसरा सवाल एक और नौजवान लीडरशिप उसमें एक पश्तू नेशनलिस्ट एक मूवमेंट है जो फाटा के इलाकों में मैं नाम किसी पार्टी का लेना पसंद नहीं करूँगा वो भी बाचा खान उनके आइडलॉग हैं उनकी तालीम को वो बेहद वो करते हैं आपकी पार्टी और उनकी पार्टी उनमें तो क्यों कम्पटर्स जैसा रवैया है वो आप लोग जब आप लोग दोनों आपके वो एक ही हैं जो आपके जो आपके रहनुमा हैं तो फिर उनके साथ क्यों ऐसा रवैया कम्पट बल्कि दो आपकी पार्टी मतलब मैं अफरासीब का साहब का नाम खुल के लूँगा मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी आग, मतलब टॉप इंटलेक्चुअल्स में से मानता हूँ मैं उनको ठीक है तो आ, उनका भी ख्याल यही था तो बात सवाल ये है कि ऐसा क्यों है आपकी पार्टी क्यों उनके साथ वो नहीं करती मैं सॉरी मैं तीन क्वेश्चन किए मैं कोशिश करूंगा कि सब सवाल मुझे आपके याद रहें बड़े खूबसूरत सवाल हैं बड़ा अच्छा मुझे लगा आपके नजर खान साहब लेकिन अगर मैं एक सवाल भूल जाऊं तो फिर आप मुझे याद दिलाएं पहला सवाल उसमें मैं एक अर्ज़ करना चाहूंगा कि बादशाह खान आ, कौमी जदोजहद में और प्रोग्रेसव रोशन फिक्री की तहरीक में दूसरे अकवाम के साथ बिलखसूस बल्कि बरसगी के हवाले से भी उनका इतिहाद था ऑल इंडिया कांग्रेस के साथ और तकसीम के बाद फिर बंगाल की लीडरशिप और सिंध की लीडरशिप और बलोचिस्तान की लीडरशिप यहाँ तक कि पंजाब की लीडरशिप हबीब जालिब साहब भी थे उनके साथ उनके साथ मिल की जदोजहद करते थे तो जो मसाइल दूसरी अकामाम को थी महकूमियत की मजलूमियत की बदहाली की माशी बदहाली की बेरोज़गारी की कारोबार की जंगों की तशद की तो वो मिल के उनके खिलाफ काम करना चाहते थे और काम किया नेशनल आवामी पार्टी में भी काम किया ने उसके साथ काम उनके साथ काम किया और खुद नगार तहरीक में काम किया मतलब मेरा कहने का ये है कि जो दहशत गर्दी या पसमानदगी या तशद या सिनी इम्तियाजा की जो आप बात कर रहे हैं आ, वो कोई नेचुरल नहीं थी वो कोई फितरी नहीं थी वो समझते थे और हम भी अब अब भी समझते हैं कि ये इम्पोज हैं ये तसलत हैं ये मुसलत हैं तालिबान का या इंतहा पसंद ग्रोहों का जो भी तस्वर हयात है उस तस्विर हयात को समझा गया कि ये पुख्तनों का तस्वरिया है बल्कि यहाँ पर तो, तो मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ नाइनटीन सेवेंटीज़ में भी यह तस्वर बयान कि आपको जान लेना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट अफगानिस्तान यहाँ से शुरू हुआ ये नाइनटीन सेवेंटीज़ में शुरू हुआ और नाइनटीन सेवेंटीज़ में यहाँ पाँच बड़े तंजीमत को बुलाया गया ये गुलबदीन और हमतार्बानी और गेलानी और ये दूसरे लोगों को यहाँ पे आबाद किया गया उनके लिए मदारिस में जगह दी गई उनके लिए ट्रेनिंग कैंप्स बना दिए गए फिर वहाँ पे लोगों को मजबूर किया गया कि वो यहाँ आके महाजिर बने फिर महाजरीन को हार पहना के उनको शामदेद कहा गया और ख़ुद को अनसार कहा गया फिर उन कैंपों में से रेडिकलाइजेशन शुरू हो गई और वो रेडिकलाइजेशन उस हद तक बढ़ गई कि समझाए जाने लगा इसलिए कि हमारी आवाज़ तो कहीं नहीं आती थी इसलिए कि इस तहरीक की आवाज़ तो नहीं होती थी आवाज़ तो उन्हीं की होती थी आवाज़ तो ख़बरनामे में उन्हीं की पेश की जाती थी या मुख्तलफ़ मीडिया पर या अब सोशल मीडिया पर जो आवाज़ आती है मुझे आप थोड़ थोड़ी छोटी सी मैं ग्रा बताऊँ कि कभी आपने ये सर्वे नैर साहब ज़रूर किया होगा कि पंजाब में ऑनर किलिंग के कितने वाक़ होते हैं और में कितने होते हैं ये सर्वे करके आप ज़रा देख लें उमूमन आप सिंध और पुखनखा का एक तकाबली सर्वे करके देख लें तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि सिनफी इम्तियाज़ कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है ये जो तालिबान का तस्विर हयात था इसकी इम्पोज़िशन में मकतजरा ने और उस बहुत उससे पहले ये उल्फ़रों की किताब आपने ज़रूर पढ़ी होगी अगर नहीं पढ़ी है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़रूर पढ़ें लेकिन इसलिए कि वो कोई पढ़ने की पढ़ने की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिन्हें खुराफात नुमा किस्म की एक चीज़ है द पथान उसको कहा गया और ये छः सौ सात सौ सफ़ों की किताब है बड़ी मोटी किताब जिसका लोगों ने यहाँ बड़े शौक़ से तर्जुमा किया और बड़े शौक़ से फैलाया और ये उल्फक्रो गवर्नर हुआ करते थे उस उल्फ़ैरों ने जो पुख्तों का तस्वर पेश किया उस पुख्तों को के तवर को सच दिखाने के लिए भी जगह जगह पे बहुत सारे मरकज़ कायम किए गए यहाँ पर अशात अशाति मराक कायम किए गए किताबें छपवाई गई यहाँ लोगों को हायर किया गया आ, मैं अब अगर नाम ले लूँ आपको तो ये नसीम हिजाज नुमा किस्म के लोग कहाँ से आए ये कौन से थे इसमें कौन 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 आप देख लें ये सफदर महमूद साहब बड़े अब, अब <laughs> पता नहीं क्या वो किसी ने किताब लिखी चार जिल्दों में तारीख की तो मैं म, मैंने कहा कुछ होता है ना पंजामाइजेशन ऑफ हिस्ट्री लेकिन आपकी जो किताब है ये महाजराइजेशन ऑफ हिस्ट्री है तो ये 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 जो इस तरह तारीख को मशक् करने का और माशरे को कहीं और किसी और तरह से दिखाने का जो अमल है ये तो मालूम हो गया है कि ये किस तरह है बादशाह ने एक लिखा है उन्हें कहा कि पखतूनों को बताया गया है कि आप इंतहा पसंद हैं पख्तू को बताया गया है कि आप ख़ातिन पर म करते हैं पखतूनों को बताया गया है कि आप ख़ानदानी दुश्मनों में मुलविस हैं मैं आपसे कहता हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर गंदारा सिविलाइजेशन थी यहाँ पर भुद्धा था मैं आपसे कहता हूँ और ये फिर वाक़ सुना इस तरह वो फैबल सुनाया करते थे कि एक आ, आ, शेर का बच्चा कहीं गुम हो गया तो वो भेड़ भेड़ों के उसमें फला बड़ा तो उसे मैंने वो वो इस तरह महसूस करने लगे कि वो भेड़ बन गया है लेकिन बाद में उसके जब वो आया कोई और शेर उन भेड़ों को खाने के लिए तो उसने देखा कि एक शेर भी भाग रहा है भेड़ों के साथ तो उसने पकड़ के तो उसने कहा कि देखो तुम शेर हो तुम मेरे जैसे ना नहीं नहीं मैं तो भेड़ हूँ मुझे छोड़ो मुझे ना खाओ उसने तो उसने ये किया कि वो तालाब के आ, सामने लेके गया तालाब की तरफ और दिखाया उसे अपनी शबी दिखाई कि देखें तुम मेरे जैसे हो तब उसे पता चले कि मैं आप मीनि शेयर जैसा हूँ तो उसे ये बता मनी बादशाह बताना चाहते थे कि आपको ये बताया गया है आपके निसाब में बताया गया है आपके मदारस में बताया गया आपको मीडिया पे बताया गया है आपको मैनिपुलेट किया गया है तो ये मैनिपुलेटेड होता है ये सारा जो कंसेप्ट है वो तस्वर है यानी अब भी यहाँ पर पेशावर जाना आपके लिए ख़तरनाक लगता है ये बड़ा अजीब है यानी इट्स इट्स वेरी स्ट्रेंज ये किसने बताया आपको ये कहाँ पर आया ये जहन में ये कौन बता रहा है ये किस तरह बता रहा है एक तो ये बात कि ये कंस्ट्रक्टेड था बादचा खान आ, को जिस तरह पख्तूनों ने अपना आ, आ, अपना रहनुमा और रह माना मेरा ख्याल है कि तारीख में सिर्फ दो लोगों के पुख्तू का इस तरह इतफाक़ हुआ है एक रहमान बाबा पे है रहमान बाबा जिसको जिसका दीवान सब लोग अपने घरों में रखते हैं आ, वो सूफ़ी शायर और दूसरे बादचा खान उससे पहले उसके बाद मेरे अपने इलम में ऐसी कोई शख्सियत मुझे नजर नहीं आती जिन पर बहसीत मजमू सब का इतफाक हुआ हो एक तो ये बात दूसरा जो सवाल आपका था वो अब मुझे बताए बड़ी मैं वही बात करूंगा कि 1970 में अगर आप मदारस की तैदाद पूरे पुख्तनख्वा में देख लें आपको मेरा ख़्याल है कि 20 मसलन 40 50 नज़र आए आते लेकिन 1989 में उसी तेदाद को आप देख लें वो लाखों में पहुंच चुकी है और अब सूरत हाल ये है कि हर गली में मदरसा है मदारस की एक पूरी मीशत बना दी गई स्कूल के निसाब में कॉलेजों के निसाब में यूनिवर्सिटियों के निसाब में रियासत ने प्रोपेगंडे ने कलदम तंजीमों ने बंदूक बरदारों ने जब आप बंदूक बरदारों के सामने उक, पूरे तस्वर बना के और उनके लिए पूरा नरेटिव बना के उनके लिए पूरी मीशत बना लेते हैं और हर हुजरे और हर जगह और हर बाजार और हर मार्केट में उनके लिए जगह जगहें बना लेते हैं तो आप कैसे यकीन कर सकते हैं यकीन जानिए है? अगर इस तरह की सूरत लाहौर में तीन महीने भी चली तो मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे म्यूज़िक सुनते हैं मेन ये मैं चैलेंज करता हूँ आप ये ये तो चालीस साल की, की मेहनत है बल्कि पचास सत्तर साल की मेहनत है जो ख़ुशकस्मती या बदकस्मती से रियात पाकिस्तान कर रही है जो जो शादत हमें मिल रही है तो अगर ये शादत गुजरावाले में या फैसलाबाद में तीन साल भी हो जाए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सूरत हाल क्या है तो ये जो इंडोक्ट्रिनेशन है जो एजुकेशन में भी है जो मेबर महराब पर भी है जो मार्केट में भी है जो कलदम तंजीमों के हवाले से आपने तो एक वो बाचाहान कहा करते थे यू हैव टू द दल्स हमें भेड़ों के सामने फेंक दिया है ना तो भेड़ियों के सामने फेंका हुआ शख्स क्या कर सकता है यही चीह पकार ही कर सकता है वही तो हम कर रहे हैं और इसको आप देख लें हाँ है, भे, भेड़ी है, भेड़ी है। तो अब अब देख लें कि हमें यानी ये जो नेशनल आवामी पार्टी थी इट वॉज द सेकेंड आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्स आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट इट वॉज द लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान दो सूबों में इसकी हुकूमत थी 1970 में उसको कैसे टुकड़े टुकड़े करके जगह जगह में महदूद किया गया ये जो आपने कहा कि सिंध की पार्टी सिंध की पार्टी को किसने महदूद किया ये बड़ी आम सी बात है मेरा ख़्याल है अब तो ये बिल्कुल हकीकत खुल गई है ये जो आप पी की बात कर रहे हैं देखिए हमारा कोई इस हवाले से पी टी एम एक गैर पार्लीमानी तंजीम अपने आप को कहती है आ, हम एक सियासी और पार्लिमानी तंजीम है हम आ, सब शोबों में समझते हैं कि ये सियासत है ये किताबें छापना भी हम सियासत समझते हैं मुशायरे करना भी है। जलसे जुलूस भी करना मुजाहमत भी करना धरना भी देना और पार्लिमान में भी जाना इलेक्शन भी लड़ने सब समझते हैं कि ये सब सियासत है वो समझते हैं कि ये सब सियासत नहीं है सियासत धरने हैं या जलसे हैं तो एक तो ये एक तंजीमी रवैया है दूसरा अगर आप ये समझते हैं कि कोई आ, आ, एक, एक तरह से सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके कुछ ख़ास मकासद हासिल किया जा सकते हैं तो हम समझते हैं कि ऐसा नहीं होता ये सोशल मीडिया बड़ा यानी बहुत आर्जी चीज़ है और इसका पापुलज़म के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है तो आपने एक और पार्टी भी देख ली जो सोशल मीडिया के ज़रिए बड़े आसमान तक पहुँच गई थी नौ तारीख को लग रहा था पूरा मुल्क फ़तेह कर लेगी आ, दस तारीख को पता चला कि कुछ भी नहीं है तो ये जो अगर अब भी सोशल मीडिया में उस पर पाबंदी लग जाए तो तीन सालों के अंदर अंदर लोग उसका नाम भी भूल जाएंगे तो ये जो सिलसिला इस इस तरह था तो इस पर मैं ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं समझूंगा लेकिन हम समझते हैं कि सियासत को और पार्लिमान को आ, एक किस्म को स्टिक्माटाइज करना सियासत को तोड़ना और पार्लीमान को स्टमेटाइज करना आ, ये आ, अगर इरादतन है तो ये तो बिर, मिली भगत है अगर ये गैर इरादी है तो फिर ये आ, उन्हीं लोगों के मकासद पूरा करते हैं जो परसों भी एक चीफ साहब ने कहा कि सियासी जमातों में कोई मुखलिस नहीं है तो हम का अगर थर्मामीटर ले लें कि जनलयुग से लेके जनलवाजा तक के अखलास का और हमारे अखलास का तो फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन ज़्यादा मुखल है कौन ज़्यादा मुखल नहीं है जी खारिम साहब एक तो ये बताएगा कि फ़्र अफ़गान जब कहते हैं बादशाह खान को तो वट डज़ दर्ड अफ़ान मीन और दूसरा जो है पश्तूनस्तान के हवाले से काफ़ी उनको मलाइन किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन लगा था नैप पे उसको वैलिडेट कर दिया तो उसका कोई इंटेलेक्चुअल जवाब कभी दिया गया उस उस जजमेंट का अफगान तो पख्तून और अफगान ये अल्टरनेटिव ये जो पुख्तू कौम के लिहाज से ये इतनो नेशनल आइडेंटिटी है इसके पांच नाम हैं एक अफ़गान भी है जो ईरानियों ने दिया था लेकिन एक्सेप्ट कर लिया چکیشور او اسکا شعر ہے رحمان وا کا جسے میں نے کہا کہ اس پہ سب کا اتفاق ہے چکیشور د افغانانو متاثر کړی د هر بیت زلفه می د هر بیت مصرع می زلفه د خوبان کړی چکیشور د افغانانو متاثر کړی د هر بیت زلفه می د هر بیت مصرع می زلفه د خوبان کړی یعنی یہ افغان کا جلب سے میں کہنا یہ چاہتا ہوں अफगान की जो अलाह है ये अल्टरनेटिवली पुतूनों ने इस्तेमाल किया है तो ये पखतून अफगान ऐसा हो सकता है कि अफगानिस्तान के जो शहरी हैं उसमें से कुछ गैर पुख्तून भी होंगे अफ़ग़ानिस्तान के शहरी हैं लेकिन पूरी दुनिया में जो पुख्त हैं वो अफगान हैं यानी इनको अफगान कहा गया है अफ़ान वो समझते हैं अपने आप को ا د افغان پننگ می اوټړل تورا نېاله د زماني خوشحال خټک 400 سال پخله خټک یوه بیټي هي هماري و هنس پړی کی مېره دادا کا شعر بیاګیا اسمه سه تو انکه دادا کې شعر کا شي یی شعر هي کی 400 سال پخله 300 سال پخله انہوں نے کہا اوس وقت تک یی یی الرجی نه هی شروع ویتی اوی یی الرجی کی بہت پخله کی بات هي ان افغانستان به اسی تیریست موجود به نې تھا اوس وقت ये जिसकी जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ तो आ, ये अफगान अल्टरनेटिवली मौजूद था तो इससे एलर्जी की ज़रूरत नहीं भाई क्यों आप एलर्जिक हो जाए इससे क्या मसला क्या है यानी किसी की इतनो नेशनल आइडेंटिटी से ये एलर्जी इस एलर्जी का फ़ायदा क्या है आपको तो ये ना कहना ये जैसे अफ़गान महाजिर ये जो स्टिगमेटाइज करते हैं ना आप यानी yeah, I mean, तालिबान के साथ मसला आ गया तो यहाँ पर जि, जिस अफगान को भी देख लें तो पकड़ दकड़ की थानों में बंद कर दें आ, आप इससे क्या कर रहे हैं आप अफगानों को अपना दोस्त बना रहे हैं दुश्मन बना रहे हैं तो यानी यू आर यूजिंग दम एज़ ए टूल टू प्रेशराइज एनी गवर्नमेंट इन अफग़ानिस्तान तो यहाँ भी अफगानों को पकड़ पकड़ के अब भी थानों में मेरा ख्याल है कि इतने सारे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आस पास के थानों में देखें तो सैकड़ों अफगान होंगे और उन पे कोई चार्ज नहीं होगा उन पे वैसे ही चार्ज लगा दिया होगा तो ये जो एलर्जी है इस एलर्जी से आपको मिला क्या है अभी तक जो अभी इसके बाद यही तो बंगालियों के साथ करते थे आप यही बंगालियों के साथ के, बल्कि आपने बंगालियों के लिए ये कहा मुझे याद है कहीं में किसी बंगाली ऑथर को पढ़ रहा था उन्होंने कहा कि आपको फौज में इसलिए नहीं लिया जा सकता कि आपकी कद छोटी है अब बांग्लादेश की फौज कौन चला रहा है उसके लिए क्या उन्होंने अफ्रीका से लंबे वालों को ला के वहाँ पे क्या है तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं इसको खुराफात ही कहा जा सकता है एनीवे anyway, अच्छा एक तो ये दूसरा जो आपने पुश्तनिस्तान की बात की देखें दो दो चीज़ें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है और जिसको बड़ा किया गया इन्हें इसको कन्फ्यूज़ बनाने के लिए बड़ा काम किया गया और जैसे मैंने कहा ना कि जिस तरह आपने तारीख़ को मसख किया तो उसका ये नतीजा निकला पहली बात तो ये थी कि तकसीम के वक्त उन इन्हें जो फार्मूला बना फार्मूला माउंडन का ये बना कि जहाँ पे एलेक्टेड इसम्बलियाँ हैं मंतखब इसम्बलियाँ हैं वो मनतखब इसम्बलियाँ फ़ैसला करेंगी कि आप हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं सिंध में मंतब इसम्बली है उसने फैसला किया बंगाल में मंतख इसम्बली ने फैसला किया यूपी में मनत इसम्बली ने फैसला किया पंजाब में मंतख इसम्बली ने फैसला लेकिन पुख्तनख्वा की मंतख इसम्बली फैसला नहीं कर सकती पुख्तनख्वा में रेफरेंडम होगा जी और रेफरेंडम किस पर होगा रेफरेंडम इसलिए होगा कि भाई आप हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में तो इन्हें वो खुदा मदगारों ने कहा कि भाई ये कोई हमकत है हम हिंदुस्तान में कैसे शामिल होंगे यानी हाउ इज़ इट पॉसिबल हिंदुस्तान में शामिल होने का आप एक तीसरा नुक्ता शामिल करें कि आप ख़ुद मुख्तार रहना चाहते हैं अगर ख़ुद मुख्तार अगर एक तीसरा नुक्ता शामिल कर लें फिर हम रिफरेंडर में हिस्सा लेते हैं तो रिफरेंड तो वो वो तो पूछा गई कि खुद मुख्तार इससे का क्या नाम होगा तो उन्हें पुश्तनिस्तान जैसे बलूचिस्तान तो पुश्तनिस्तान का नाम होगा उसके लिए कराजा भी पास हुआ लेकिन फिर उन्होंने ये बात नहीं मानी ना माउंट बेटन ने मानी ना ऑल इंडिया कांग्रेस ने मानी ना मुस्लिम लीग ने मानी ये जो तीन स्टेक होल्डर्स थे बड़े बड़े तो इस वजह से खुद खमदगारों ने बाइकाट किया रेफरेंडम का बाइकाट किया जो दूसरा था ये बादशाह खान ने खुद नाइनटीन फरवरी नाइनटीन फोटी एट में जो खिताब किया है और खिताब मौजूद हैं इंटरनेट पर मौजूद हैं प्रिंटेड भी मौजूद हैं अंग्रेज़ी में भी उसका तर्जुमा है उर्दू में वो खिताब हुआ है वो भी मौजूद है पुशतों में भी उसका तर्जमा मौजूद है कि भाई एक तो फलाही मुमलिकत होनी चाहिए ये बात की दूसरी बात ये कि आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहिए तीसरी बात ख़ुद मुख्तारी की की चौथी बात यही थी कि ख़ुद मुख्तारी के हवाले से ये बात की कि जना सब लोगों को आप जो पंजाब में रहता है तो उसको पंजाब कहते हैं जो बलूचिस्तान में रहते हैं तो आपको बलोच बलोचिस्तान कहते हैं बलोच को बलोचिस्तान कहते हैं तो हम को आप पुश्तनिस्तान क्यों नहीं कह सकते यानी हमारे सूबे का नाम आप पुश्तनिस्तान यानी वो एक शनाख्त की कि आप शनाख्त क्यों मशक्कर हमें एन डब्ल्यू एफ पी क्यों कह रहे हैं यानी इसका क्या लॉजिक क्या है इसकी मंत क्या है बनती तो एक तो ये बिल्कुल नाम के हवाले से बात थी जो बाद में पुख्तनख्वा अफ़ान या जिस पर बड़ी बात चली और ये बात आ गई जहाँ तक आपकी बात की ये जवाब तो एक ओप्रेसिव फ़ैसले का पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के और पाकिस्तान की आला अदलिया की अदालत उज़्मा के फ़ैसलों की अगर आप तारीख़ ले लें तो जो तारीख उसकी आई है अभी तक वो कोई काबिल तारीफ नहीं है वो तारीख कोई काबिल तारीफ नहीं है तो हम नहीं समझते कि वो ऐसा एक फैसला है जिस पे बात भी की जाए हम समझते हैं कि वो जबरता हमारी कोई रिव्यू पिटिशन कबूल नहीं हुई आ, हमारी लीडरशिप को एक अरसे तक बिला जवाज रखा गया हमारी पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई पार्टी को तोड़ दिया गया पार्टी के स्ट्रक्चर को तोड़ दिया गया लेकिन ज़ाहिर के ख्याल को तो नहीं तोड़ा जा सकता नजरिए को तो नहीं मारा जा सकता तो शुक्र है अभी भी मौजूद है और बादचाह खान की लेगेसी वो ख़त्म नहीं हुई वो मौजूद है और मौजूद रहेगी वो तंजीमी वो तंजीमी शक्ल में भी मौजूद रहेगी वो नज़रियाती शक्ल में भी मौजूद रहेगी वो आ, हरकत की शक्ल में भी मौजूद रहेगी वो इसकामत की शिकल में भी मौजूद रहेगी मेरा ख्याल है कि उम्र ये बहुत पहले उसने साथ उठाया था जितना हमने बादचा खान की तहरीक के आ, आ, मुताला किया है या सुना है तो वो उसी टाइम का आ, मतलब हर पसंदीदा था हर तबका वाले चाहे वो महकूम अकुआम थे या मतलब वो सबसे पसंदीदा था मतलब कोई चीज़ बिल्कुल वायरल हो जाता है तो बादचा खान बाबा का तहरीक उसके अफकार उसका तंजीम हर कोई उसमें शमूलियत के लिए ख्वाहान होता था जितने भी मज़ाहम मजालम को सहने के बावजूद लेकिन आज अंग्रेज दौर में शायद मसायब ज़्यादा थे वो शायद ज़्यादा ऑपरेस करने की कोशिश करते थे आज अगर हम देखते हैं तो उसकी लिगेसी को तो जाहिर सी बात कंटिन्यू कर रहे है, अच्छी तरह कोशिश कर रहे लेकिन उस आ, से मुकाबिल में आ, जितना वो प्रवेसिव होना चाहिए था जितना ये इसने एकपेंशन करना चाहिए था वो इतना हमें दिखाई नहीं देता इसकी क्या वजूहत हो सकती देखिए बादशाह खान के सामने एक अंग्रेज़ हवलदार होता था या इस चो होता था और उनको पकड़ के जेल ले जाते थे फिर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता थे किया जाता था उन पर तीन साल और फिर बाद में भी तीन साल और फिर तीन साल इस तरह बात चलती थी और जब जेल में नहीं होते तो फिर नज़रबंद होते थे आ, या फिर जलावतन होते थे लेकिन अगर आप अवामी नेशनल पार्टी की बात कर रहे हैं तो अवामी नेशनल पार्टी के सामने तो खुदकुश कड़ा है जेकट समेत ये बहुत बड़ा फ़र्क है इस फ़र्क को न भूलिएगा एक बात दूसरा बात, दूसरी बात उन्नीस सौ उनतीस में तहरीक शुरू हुई 1930 में इसमें बहुत बड़ा इजाफा हो जैसे आपने भी कहा कि अक्सर खवानी उस वक्त भी उस वक्त के खवानी भी समझते थे कि अगर हम इस तहरीक में शामिल होंगे तो कोई मेंबर वम्बर बन जाएंगे तो कुछ बन भी गए उसमें से और उन्नीस में पे तकसीम हुई फिरंगियों ने इस तहरीक पे जितना काम किया वो कोई बीस पच्चीस साल काम किया होगा अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ पूरी मीडिया के ज़ोर के साथ और एक वक्त में पूरी दुनिया की क़वत के साथ अमरीका और उसके इतिहादी पूरी दुनिया थी पूरी उसकी उनकी मीशत पूरी दुनिया उनकी फ़ौज पूरी दुनिया पिछाई हुई थी मेरा ख्याल है कि इस पूरी रीजन में सिर्फ बादचाह खान ही की पार्टी थी जो उनके अफगानिस्तान की जंग के खिलाफ जा रही थी तो एक वक्त में पूरी पाकिस्तानी रियासत पूरी अमरीकी और उसके इतिहादी और उसके साथ साथ अरबों का पूरा पेट्रो डॉलर्स ये इस तहरीक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ और होता आ रहा है पूरे पैंतालीस साल तो इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है यानी आप उस फ़र्क को इस फ़र्क को देख लें तो बहुत बड़ा फ़र्क है तो इस रियासती जबर ने आ, इंटरनेशनल इस्टबलिशमेंट के जबर ने और आ, अरब ममालिक के पैसों ने ज़ाहिर है कि इस पार्टी को जितना नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचाया ये किसी और पर होता किसी भी और पे होता यकीन जानिए वो शायद मैं अक्सर तीन साल तीन साल की बात करता हूँ ये पाँच साल भी जिंदा ना रहा था ये तो उस इन्हें इस तहरीक की और इस नज़रिए जो ज़ोर जो है जो धरती का ज़ोर है इस वजह से ये अभी तक खड़ा है और मेरा ख़्याल ये है कि बहुत से लोग अब ये सोशल मीडिया का एक अच्छा ये भी है कि लोग समझना यानी आप जैसे नौजवान समझना शुरू हो गए हैं तो कोई अब अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट भी नहीं करता लेकिन वो दिल से साइलेंट मेजॉरिटी के हवाले से उनके साथ है मेरे ख्याल में एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में भी तनजीम रखती है और पाकिस्तान में हर यूनिट में इनका बाकायदा तंजीम और मेम्बरशिप और सारी चीज़ें बड़ी बाकायदा से होती मेरे ख़्याल में चंद पार्टियाँ होगी जो जिसमें ये चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी होंगे एलेक्शन नंबर साजी, है, साजी होती है सारी चीज़ें मौजूद जी बहुत तो शुक्रिया आदिम साहब बड़ा बेहतरीन तरीके से आपने बचा खान को एक्सप्लन किया है आ, बाचा खान के पेरोकार एक सवाल जो हमसे भी पूछा जाता है मैं चाहता हूँ आप उस पर अपना तजिया दे दें वो ये कि जब हम नेल्सन मंडेला और इस तरह के लोगों के पढ़ते हैं उनके जहन में इंसान और इंसानियत की बात है उनके जहन में ये है कि कैसे इंसानियत को आगे लेके जाए लेकिन बाचा खान का जब हम नाम सुनते हैं अक्सर लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि क्या बाचा खान पश्तूनों के बाचा खान थे या पूरे इंसानियत के बचा खान थे तो उनका क्या रोल था पूरे इंसानियत के हवाले से या वो सिर्फ़ पश्तूनों को टारगेट कर रहे थे पश्तूनों के हवाले से जो है वो बात कर रहे थे इस पर आप काइंडली कमेंट करें देखिए ये इस कन्फ्यू ये कन्फ्यूजन बना दिया गया है ये कन्फ्यूजन है नहीं अगर मैं आपसे कहूँ कि नैसल मंडेला किस की आज़ादी चाहते थे अपाथीट से किस को निजात दिलाना चाहते थे को चाहते थे अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि इब्राहम लिंकन किसकी आज़ादी चाहते थे किसकी जमहूरी हुक्मरानी चाहते थे अमरीकनों के चाहते थे अगर मैं आपसे लीबियन का पूछ तो किसकी चाहते थे लिबियन की अगर मैं आपसे महात्मा गांधी की पूछूँ तो वो किसकी चाहते थे इंडियन की चाहते थे एक वो बात की बात हाँ वो 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 बात की बात है मतलब मतलब न की बात की बात है लेकिन वो जो कांग्रेस थी अब उसमें अफ्रीकन जो, 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 नेशनल कांग्रेस थी उसमें बड़ी तब्दीलियां वाक्य हो गई वो एक अलग बहस है उस बहस में नहीं मैं नहीं पढ़ना मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि जितने भी लोग होते हैं जो इंसानियत को कंट्रीब्यूट करते हैं जितनी भी बड़ी शख्सियात होती हैं वो आसमान से उतरे हुए नहीं होते ना वो ख़िला में होते हैं वो एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में होते हैं तो बादचार खान का तो उस कॉन्टेक्स्ट की वजह से वो महदूद नहीं होता इस वजह से वो नहीं महदूद होता कि वो खास एक ख़ास एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में वाक़ हुए हैं जहाँ वो पैदा हुए हैं तो बादचा तो खान की बशरदस्ती बादचा खान की का तस्वर एक तस्वर तबकती माशरा हो बादचा खान का की तरक्की का तस्वर बादचा खान का मीशत की मुनिफाना मीशत का तस्वर शराकत दारी का तस्वर अवामी हुक्मरानी का तस्वर जमहूर की हुक्मरानी का तस्वर ख़ुद मुख्तारी का कौमी ख़ुद मुख्तारी का तस्वर आ, कौमी मसाव का तस्वर ये एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में था लेकिन ये बहुत जनरलाइज है तो कोई जनरलाइज मसलन गांधी से हम बहुत जनरलाइज चीज़ें लेते हैं इब्राहम लिंकन से भी लेते हैं नैसल मंडेला से भी लेते हैं मार्टन लूथर किंग जूनियर वो कहीं सैबेर के लिए तो नहीं कर रहा था वो अमरीका ही के लिए कर रहा था लेकिन वो सैबीर में भी उतना रिलेवेंट है जितना अमेरिका के लिए रेलिवेंट है तो मेरा ख्याल है कि इसको वैसे कंफ्यूज बना दिया गया है ऐसा नहीं है बादशाह खान कोई एन जी ओ नहीं चला रहे थे कि उसको बिल्कुल किताबी लिहाज से किसी ख़ास वो करके तो आ, आ, एक तरह से वो कर लें ना बादशाह खान कोई कारपोरेट एंटिटी चला रहे थे कोई कॉर्पोरेट कंपनी में चला रहे थे कि फ़ायदे के लिए चीज़ों को करके पैकेज करके तो पैकेज को बेचा जाए ना खान कोई पॉपुलर्स थे कि जो चीज़ें लोगों को पसंद होंगी ये ख़ुद उन्होंने बताया आपने वो देखी होगी उसमें भी ये कहा वो जो एक मूवी है ना इंडिया में बनी है ये इंडियन ने टी ने बनाई है ये बाचाह भारत रत्न अवार्ड लेने के लिए जा रहे थे तो जे जहाज से मीन उतर रहे हैं प्लान से उतर रहे हैं तो एक आ, है ना क्या क्या गठला गठली गठली उस उसके उस, उसके साथ है तो वो प्राइम मिनिस्टर आई तो वो लेना चाहती नहीं, 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 वो गठली किसी को नहीं देते थे तो लोग मजाकन पूछते भी थे किस में ऐसी क्या है जो आप किसी को नहीं दे? <laughs> तो वो फिर दिखाते थे कि इसमें दो जोड़े हैं और एक जूता है और ये, ये मस्वाक है या टूथब्रश है और ये 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 चीज़ें हैं बताते भी थे तो ये ये जो वो उसी में आ, उस उसी वीडियो ये तो छोटा क्लिप लिया गया है लेकिन पूरी जो मूवी बनी है तो उसमें वो बताते हैं डॉक्यूमेंट्री है बताते हैं कि बाचा खान ने उस विज़िट में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप को इतना लथाड़ा इतना लथाड़ा कि आप के तो निकल गए हैं आप हरकत नहीं करते आप लोगों की खाते हैं आप आरामदेह जिंदगी भर ये गांधी का इंडिया नहीं है इन्हें जलसों में बताते कि ये गांधी का हिंदुस्तान नहीं है ये आप लोगों के बड़ी तोंदों का हिंदुस्तान है तो बाचा खान ने कभी पॉपुलिज्म इन्हें ऐसी कभी भी बात नहीं की कि, कि लोगों को जो पसंद बात आ जाए तो वो बात कर ली जाए ताकि लोग तालियां म तालियों के लिए उन्होंने कभी भी बात नहीं की वो ख़ुद भी कहते थे कि जो काम आ, मेरे जहन में खुदा ने डाला है वो मैं कर रहा हूँ अब इसकी सो अच्छा लगे तो अच्छा लगे बुरा लगे तो बुरा लगे मेरा इससे क्या और इख्तिला जो जो ये भी कहा ना कि इख्तिलाफ तो खुद गर्जी से पैदा होता है अब अगर मैं और बल्कि एक बात और कही उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात अक्सर व्यशतर कहा करते थे लिखी भी है उन्होंने कहा कि मायूसी तो उनमें पैदा होती है जो अपने लिए कर, करते हैं किसी अहदे के लिए करते हैं किसी मफाद के लिए करते हैं मैं अपने किसी अहदे मफाद के लिए कोई करता ही नहीं तो मैं मायूस क्यों हो जाऊँ मैं मतलब मैं तो काम कर रहा हूँ ना अब आज का ये काम हो गया तो मुझे तो खुश होना चाहिए तो मायूसी कहाँ है मायूसी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए तो मेरे ख्याल कोई कन्फ्यूजन नहीं है जिसको बना दिया गया कर, ये हाँ अच्छा सर आपने सर अफ़ग़ानिस्तान में जहाद का जिक्र किया ठीक है अच्छा इधर आप अच्छा जो इस्लाम का बेसिक कंसेप्ट है जिहाद मेरे नज़दीक तो एक वायलेंस है ब्लड शेड है ठीक है अगर बचाहान के नान वायलेंस के लेंस से अगर देखा जाए बचाहान ने इस्लाम का जो जहाद कंसेप्ट था इसके बारे में आ, कुछ कहा है या कुछ लिखा है बचहान ने बचाहान ने कहा कि ये फसाद है बादचाहान ने कहा यह कब्जे है बादचा ने कहा कि अमरीका के डॉलर अरबों के पेट्रो डॉलर और पाकिस्तान के जरनेलों की मली भगत है बादशाह खान कोई फकी नहीं थे बादशाह खान एक बहुत बड़े सियासतदान थे बादशाह खान एक लेजेंड थे एक आइकॉन थे वो कोई फकी नहीं थे ये सवाल आप किसी फकी वग़ैरह से पूछें फ़ाह ने उस ज़माने के फ़काहा ने एक फ़ैसला दिया था कि यह जहाद है अब वो कहते हैं ये फसाद है उस जमाने की जरनेलों ने कहा था बहुत बड़ा जिहाद हो रहा है एक अमीर उम्मीद थे यहाँ पर बहुत बड़े जिहाद के दाई थे अभी एक दूसरा जरनेल ऑपरेशन कर रहा है रद्दुलफसाद तो वह फा ने जो फैसले दिए थे उन फा से कहो ये अभी गए थे ये उनके पास लेके गए थे आपने सवाल पूछा ना बहस बाद में कर लेंगे जितने भी बहस करनी हो हमने बहुत की हैं है। नहीं, नहीं नहीं मैं आप बात सुने ना बात सुने इन्होंने भेजा ये आ, मुफ्ती तकी ऊस्मानी वगैरह को उधर भेजा वली मसूद के पास आ, कि भाई इनको राज़ी करें ये अब जिहाद वग़ैरह ख़त्म हो गया ना तो जो अंदरूनी कहानी है वो ये है कि वली मसूद वगैरह ने काफ़ी कहानी इनकी सुनी उलमा का वफ़ था वो अंदरूनी कहानी मैं जिस जिस शख्स से निकल आई उसका नाम भी ले सकता हूँ आपको बता सकता हूँ तो वो उन्हें कहा कि इन्होंने बड़ी बात सुनी उनकी एक घंटा बात सुनी दो घंटा घंटा डेढ़ घंटा बात सुनी होगी और फिर बड़े एहतराम से कमांडर साहब ने उनसे कहा कि देखें वो बड़ी किताबें साथ लाए थे कि देखें हज़रत ये आपके जिहाद का ये फतवा है फिर दूसरी किताब ये दूसरा फतवा है फिर तीसरी ये तीसरा फतवा है हम तो वही कर रहे हैं जो आपने कहा था हम अब हमें किस चीज़ पर ख़ायल कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर करें तो वो जिहाद होगा यहां पे करें तो वो जिहाद नहीं होगा यानी वहां पे करें तो वहां पे करें तो वो घुटता तो तालिबान यहां पे करें तो वो बैठता तालिबान वहां पे, पे करें तो तकदस यहां पे करें तो हलाल यहां पे करें तो हराम ये कौन सा जिहाद है जो आप कर रहे हैं भाईजान तो ये जो पूरी की पुरबा खान की नजर में कोई भी असलहा बंदूक बर्दारी, किसी किस्म की भी ईजा रसानी और महकूमों में इन महकूमियत को ख़त्म करने के लिए उनका जो तस्वर था कि आ, मास मूवमेंट मास मूवमेंट पूरा तस्वर पेश किया वो उन्होंने किस खानी में भी दिया उन्होंने टक्कर में भी इसकी मिसाल दी और पूरी ज़िंदगी इसकी मिसालें दी जोला के ख़िलाफ़ जो तहरीक चली उसमें भी उसकी मिसाल दी कि बंदूक नहीं चलानी गोली नहीं छलानी तप्पड़ नहीं लगाना कड़ा होना है कड़ा होना यहाँ कड़ा होना है पूरा दिन कड़ा होना है कि मैं ये नहीं मानता ये मारेंगे तुम ना मारो लेकिन हम नहीं मानेंगे तो अगर कोई समझता था कि उधर तो लेकिन ये अब अब भी जानते हैं हम भी जानते हैं और अब तो वो लोग भी जानते हैं जो यहाँ लोगों को ट्रेन कर रहे थे मंसूरा में लोगों को ट्रेन किया जा रहा था अब तो मंसूरा भी खुद कहता है कि बहुत बड़ी गलती हुई भाई अब बाद में जो इस्लाम जो दूबैनी मतब फ़िक्र के लोग वो 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 दूबैनी फ़िक्र के लोगों को देखे मौलाना शिरानी को ज़रा सुन लें वो क्या कहते हैं कि हमें क्या बना दिया गया हमें क्या जहाद है हमारे मदारस में अक जिहाद है तो मेरा भाई ऐसा है कि तशद इन अदम तशद की अगर कोई आज़ादी चाहता है महकूमियत से निजात चाहता है कोई तरक मतलब कोई आ, 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 अपने हकूक़ के लिए खड़ा होना चाहता है तो बादचाह खान का नुकता ये है और बादचा खान के लिए गैसी ये है कि उसके लिए मास मूवमेंट होगा ऑर्गेनज मूवमेंट होगा और वो सब्र इस्तामत के साथ होगा उसमें तशद्द का इस्तेमाल नहीं होगा तो नतज निकलेंगे वरना ईरान बनेगा या फिर सोवियत यूनियन बनेगा सर जैसे आपने कहा कि बजा खान और बाजा ख़ान की आइडियालॉजी को दुनिया के तीस ममालिक नसाबों में पढ़ाया जाता है जैसे आपने नहीं, आ, तीस अमरीका की तीस रियासतों के बिल्कुल, बिल्कुल सर तो सर अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें तो हमारे पास ऐसे पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका हमें हम हमारे पाकिस्तान स्टडीज़ में हमें जिक्र ही नहीं मिलता जैसे सरा ख़ान है या उसके अलावा और भी है तो सर पाकिस्तान में पाकिस्तान पाकिस्तानी एजुकेशन का सबसे बड़ा मसला नसाब का है तो सर वाई नाट की जैसे हमारे पास के के अज़ीज़ की बुक है दी मंडर ऑफ़ हिस्ट्री ऐसी चीज़ें सर हम अपनी यूथ को हकीकत क्यों नहीं बताते है? हम ऐसी चीज़ें बताते हैं जो हुए ही नहीं है या फिर जो हमारे इंटेग्रिटी के हमारे कंट्री के उसके ख़िलाफ़ थे तो वाई नाट सर हम अपने यूथ को रियलिटी बताते अपने नसाबों में दो चीज़ें पहली चीज़ तो ये समझते हैं कि कंस्ट्रक्ट किया जाए कौमी कौम को कौमीत को कंस्ट्रक्ट किया जाए इन्हें एक ऐसी चीज़ जो मौजूद नहीं की है मौजूद ही नहीं है उसको बना दिया जाए इन्हें रियासत को वो कौम बना देते हैं कुछ लोग समझ लेते हैं मसलन स्विट्जरलैंड या हिंदुस्तान या आस्ट्रेलिया अमरीका ये समझ लेते हैं कि भाई हम रियासत हैं हम कौम नहीं हैं तो कौमी ख़ुदमुख्तारी देते दे दे हैं तो उससे वो सारी अमाम एक रियासत में रहना शुरू कर देते हैं आराम के साथ और अमन के साथ और लेन-देन के साथ पाकिस्तान में ये समझा गया ये ब्रिटिश लेगेसी है इसमें समझाया गया कि नहीं ये कौम बनाना है तो तमाम तनवात को तमाम शनाख्तों को तमाम किस्म की तारीखों को और जोग्राफियों को आ, का मलबूबा बना के उसको हलवा बना के उसको ख़त्म करके उसको तोड़ के आ, एक कौम बना दी जाए जो फ़ितरत के ख़िलाफ़ है और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि आज बलोच आपके साथ रहना ही नहीं चाहता एक तो ये है दूसरी चीज़ अशरफियत पाकिस्तान की मकतदरा की अशराफियत मरकजियत पसंदी अशराफियत इलीटिज़म मरकजियत पसंदी सेंट्रलिज़म और तीसरा पापापियत मज़हब का इस्तेमाल इन तीन चीज़ों ने पाकिस्तान के स्ट्रक्चर इन, इन बुनियाद पे पाकिस्तान के जो स्ट्रक्चर्स बने उसमें लोगों के टैक्स पैदा हो गए उसमें लोगों के मफादात ने जन्म लिया उसमें इसकी मीशत बनी इकॉनमी बनी अब बहुत जो ताकतवर मुकदरा है उसकी उसकी उसका मफाद ही तो हम ये नहीं समझते कि ये नहीं मैं, मैं ये नहीं समझता कि वो समझते नहीं हैं इस बात को वो बात समझते हैं और हम ये भी नहीं समझते कि कोई अच्छा आदमी बने और हम कहें कि आप तो इतने अच्छे आदमी है भाई ये म छोड़ दो इस तरह कोई नहीं करता इसके लिए सियासी जदोजहद की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए लोगों के सामने हकीकत लाने की ज़रूरत पड़ती है और जिसके लिए जाहिर है कि कुछ अपने अपना आराम और कुछ अपनी आसाइश और कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ सख्ती और मुश्किल बर्दाश्त करनी होगी एक सवाल की तरफ आते हैं ये अनवर मकसूद मोइन अख्तर के साथ एक कॉमेडी शो करता था लूज स्टाक तो उसमें अनवर मकसूद ने कहा चूँकि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है उसने कहा अच्छा अच्छा एक मिनट मैं मामों के बेटे को बताता हूँ कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है तुमने खुद खुदखबरी सुनाई ऐसा है कि यह कानूनील सेटअप था उसमें क्या क्या रोका गया तो इस तरह लोग समझते हैं कि पाकिस्तान वो ही कानूनील कंटिन्यूशन है तो उसी तसलसल में जो चीज़ें उसके डिकलनाइजेशन की वजह बनती है उसको रोका जाएगा जब तक उस ताकत से लोग आवाम उस ताकत से वापस उसको इम्प्लीमेंट करने या उसमें जगह बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये जारी रहेगा आखिरी सवाल है असल सर आपने जिक्र किया मार्टिन लूथर किंग जूनियर का और नेल्सन मंडेला का आ, मैंने ख़ुद इस पे काफ़ी स्टडी की खास करके मार्टिन लूथर किंग जूनियर पे आ, उस वक्त उसके साथ मेलकम एक्स जैसे लोग भी थे जो ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात करते थे अमेरिका के आ, अंदर आ, लेकिन उसने वही यही तकरीबन बाचा खान से मिलती जुलती उसकी फ़िलोसफी थी नॉन वायलेंस की और एक मार्च था सलमा मार्च जब पहली दफ़ा उन्होंने किया तो गोरों ने उन्हें रोक दिया उस पुल पर दोबारा जब उन्होंने वो मार्च किया तो उसमें जो फर्स्ट रो थी उसमें ज़्यादा गोरे थे कालों से ज़्यादा गोरे थे जो उस उन्हीं के राइट्स के लिए एहताज कर रहे थे आपकी पार्टी इन पर्टिकुलर और बाकी भी जो पश्तून आइडेंटिटी या उसको एक दहारे में लेके आने की बात करने वाले लोग हैं आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो इस्टेबलिशमेंट है पाकिस्तान की मखतरा है उसको आप जिस तरह मार्टिन लूदर ने ये समझाया अपने लोगों को कि हमें नफ़रत करनी है हमें अगर लड़ना है तो रेसिज्म से लड़ना है हमें वाइट सुपरमिस से जो है वो लड़ना है वाइट से नहीं लड़ना हमें इसी तरह मंडेला ने अपने लोगों को कहा कि हमें हर गोरे से नहीं लड़ना हमें उस गोरे से लड़ना है जो हमें कमतर समझता है अपने हकूक़ के लिए तो मैं समझता हूँ और मैंने स्टडी किया आप लोगों को तो यही मुझे समझ आया कि यही आपकी भी कम अज़ कम फ़िलासफ़ी है और जो आप अभी बात कर रहे थे कि स्टिगमाटाइज़ नहीं करना चाहते आप पार्लियमान को यकीन है उसके पीछे यही वजह है लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस तमाम तर सत्तर साल की आ, बाचा खान फिर उनके आप जो फॉलोर्स हैं लेगेसी तो पाकिस्तान की मकतदरा इस काबिल है कि जिस तरह दुनिया में चीज़ें हुई राइट्स मिल गए ब्लैक्स को अफ्रीका में मिले या अमरीका में मिले 1960 तक जिस कॉम के बंदे को बस की सीट पे नहीं बैठने दिया जाता उसे 2008 में उसी कॉम के बंदे को दुनिया के सबसे ताकतवर सीट पर प्रेसिडेंट बना कर बैठा दिया गया तो ये क्या पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है आप समझते हैं कि इसके अंदर ऐसे लोग चूँकि आप तो इन प्रोसेस हैं इन लोगों से आपकी उठना बैठना है स्ट्रगल है जाने गँवाई हैं तो कहीं किसी लेवल पर कोई रियलाइजेशन इनके यहाँ मौजूद है ये यानी उस साइड पे अपना अनलर्न करके आपके मौक़ को खान के मौक़ को समझने के लिए तैयार हैं परसेंटेज अगर मुझे आप इस तरह कहें कि जी किसी हद तक इस मुकतदरा ने अपना रवैया बदलने की कोशिश ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की है या अनलर्न किया है जो कुछ इन्होंने या नहीं करेंगे आपको लग रहा है कि कोई थोड़ा बहुत होप है कि ये आप इनको विन ओवर करने में अपने आर्ग्यूमेंट के थ्रू कामयाब हो सकते हैं सवाल मैं समझ गया आपका सवाल समझ गया आ, पहली बात आ, हर पंद्रह बीस साल बाद जो इनकी पॉलिसियाँ होती हैं या फिर इनके इकदाम होते हैं या फिर इनके जुल्म होते हैं ये इससे न सिर्फ़ ये कि आ, इनकार कर देते हैं पहले उनको ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं उसके बाद ये इजहार कर लेते हैं कि हमसे गलती हुई बंगाल में हमसे ग़लती हुई अफ़ग़ानिस्तान में मुदाखलत करके गलती हुई प्राइवेट मलेशियाँ बना के तो गलती हुई तो हक से गलती हुई तो मुशर्रफ से गलती हुई अब कहते हैं बाजवा से भी गलती हुई और मेरा ख़्याल है कुछ अरसे बाद फिर बहुत सारे और लोगों से भी गलती हुई तो ये तो एक कितनी रियलाई रियलाइजेशन रेल, है तो ये देखें ये जो स्ट्रक्चर होता है ना ये इंसान नहीं होता ना ये स्ट्रक्चर्स बना ले ये स्ट्रक्चर्स हैं पूरे ये पूरा स्ट्रक्चर है एक सिस्टम एक स्ट्रक्चर है तो इस सिस्टम के साथ कुछ लोग ऐसे वस्ता हो जाते हैं जो एक ख़ास वक्त तक वहाँ से मफाद ड्रा करते हैं लेते हैं लेकिन वो लोग फिर चले जाते हैं तो और लोग आते हैं तो वही वही मफादात उनसे ड्रा करते हैं तो वो सिस्टम कैसा रखना चाहते हैं कि वो मफाद ड्रा कर सकें असल मसला इस पूरे स्ट्रक्चर को डी करना है उस डीकोलोनाइजेशन जब तक नहीं होगा कि कोई अफसर आता है कोई ब्यूरोक्रेट आता है कोई मुल्ल आता है कोई जर्नेल आता है कोई जर्नलिस्ट आता है और वो सिस्टम से ड्रा करता है आ, और कोई सियासतदान आता है कोई सिस्टम ड्रा करता है और वो स, इस सिस्टम में बुनियादी तब्दीलियों के बग़ैर ये मुमकिन नहीं होगा कि उस रियलाइजेशन पे यकीन किया जा सके वरना तो ये हर दस साल बाद बता देते हैं हमें कि हमसे वो ग़लती हुई हमसे वो ग़लती हुई मैं गिन की बता सकता हूँ कि ये न सिर्फ़ हमें बल्कि मीडिया पे भी बता देते हैं कि फ़लाँ गलती हुई फ़लाँ गलती हुई फ़लाँ गलती हुई फ़लाँ गलती हुई ये सारा कुछ किया ये जो नेशनल एक्शन प्लान का की मीटिंग थी उस, उस आ, 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 जो दो हज़ार चौदह में जो बच्चे ज़बा किए गए आर्मी पब्लिक स्कूल में उसके बाद जो मीटिंग थी साफ लोगों ने कहा उधर कि ये प्राइवेट मलेशाएँ हैं ये गलती है ये गलती है ये सुधारनी है हमने उस वक्त भी कहा कि जब तक ज़मीन पे ग्राउंड पे हमें नज़र नहीं आएगा उस वक्त नहीं होगा तो हम, हमें नज़र ग्राउंड पे देखने का, का मतलब ये है कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं मसलन पूरी ब्योक्रेसी को डी कोलोनाइज करना होगा पूरी यानी जो पूरा स्ट्रक्चर है दिफा का सिक्योरिटा सिक्योरिटी का जो पूरा तस्वुर है ये डी करना होगा ये पूरा इंतज़ाम गवर्नेंस पूरे इंतज़ाम को पूरे जैसे सिस्टम को डीकोलोनाइज करना होगा सर को करना, करना होगा मैं इसकी तरफ आ रहा था यानी पूरे जैसे सिस्टम को डीकोलोनाइज करना होगा पूरे पारे पार्लिम, पार्लिमान और अवामी नुमाइंदगी को मुकम्मल इख्तियार एब्सोल्यूट पावर देना होगा जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक ग्राउंड पे कुछ नज़र नहीं आएगा उस वक्त तक सियासी जदोजहद मनज़म सियासी जदोजहद को बरकरार रहना चाहिए दो मिनट अच्छा जी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज, प्लीज. इस्टेब्लिशमेंट आपने कहा था कि सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान में और जो भी ये सारा सिनेरियो है और जो चल रहा है प्रेजेंट सिनेरियो है पाकिस्तान का उसको एज अ पार्टी उसको मान लेना कि वो है वो एग्जिस्ट करते हैं वो सालों से है वो एग्ज़िस्ट करते रहेंगे तो जो सियासी पार्टीज़ हैं जो आपकी पार्टीज़ है या जो भी बड़े बड़े नाम गुजरे हैं चले आर्मी में बड़े नाम नहीं आया बाचा खान बड़ा नाम है ये बड़े बड़े नाम गुजरे हैं लेकिन उस चीज़ को कोई भी टैकल नहीं कर सके हमें भी पता है सोल्यूशन ये हैं कि जी ब्यूरोसी को सही कर दिया जाए सोल्यूशन ये है जी आर्मी को अपनी उनकी वापस अपनी जॉब्स पे लेकर जाया जाए ये सारे सोल्यूशन हम सबको पता है ये एक एक बच्चे को पता है या आजकल सबको पता है कि यही सोल्यूशन था इस चीज़ का लेकिन ये सोल्यूशन का के लिए करना क्या चाहिए एज अ पार्टी एज अ Uh, अगर आपको लगता है कि आप पश्तून खान पश्तून में सबसे बड़ी पार्टी है या एज अ सिस्टम आप क्योंकि हम लोग तो इस सियासत में नहीं है अगर सियासी पार्टी इस चीज़ को फाइट अप करने की कोशिश कर रही हैं तो वो क्या कर रही हैं इस चीज़ से बदला या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी है जी वो पार्टी है अब हम सर्वाइव करते हैं जितना अर्सा सर्वाइव कर सकते हैं या क्योंकि बाकी मुल्कों में तो इस्टेब्लिशमेंट का इतना होल्ड भी नहीं है तो एज अ सियासी पार्टी आपकी क्या स्ट्रगल है या एज ए सियासी पार्टी आपको इसका क्या सोल्यूशन नजर आता है आइडियल सेटअप के डीकोलोनाइज कर देंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा तो इन नियर फ्यूचर मेरे मुझे नहीं लगता मेरी एज में मुझे दिखेगा मेरी अपनी जिंदगी में मैं ऐसा कुछ देख सकूंगी तो इसका यही सोल्यूशन है या इसका बस ये सोल्यूशन है कि हम बैठ के बस सियासी 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 बातें करेंगे या बस ऐसे ही खेलते रहेंगे और वो अपना सिस्टम चलाते रहेंगे दस साल बाद माफिया मांगते रहेंगे और सिस्टम चलता रहेगा सोल्यूशन है कोई या बस होप ही है हमारे पास थैंक यू आपने अपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया कि हम तो सियासत में नहीं हैं तो जब आप सियासत में नहीं हैं तो आप सियासी सवाल क्यों पूछ रही हैं आपको फिकर क्यों है फिकर तो उन लोगों की चाहिए जो सियासत करते हैं देखिए इसका आसान जवाब यह है कि सियासत सियासत आपने करनी है सियासत आपने करनी है और सियासत तमाम नौजवानों ने करनी है तमाम इस ने करनी है मजदूरों ने करनी है मजारों ने करनी है जवानों ने करनी है सब ने सियासत करनी है इसका एक इलाज है और वो है सियासत और इस सियासत को जगह जगह पे इस सियासत ही ने इस मुखदरा को पीछे धकेलने पे मजबूर किया है अभी आपको भी पता है मुझे भी पता है इस हाल में बैठे सब लोगों को पता है कि निगरान हुकूमत कौन लाया है ठीक है ना पते। खुद पते। नहीं बैठ सकता क्यों नहीं बैठ सकता पता है आर्टिकल सिक्स में 18th अमेंडमेंट ने ऐसे ऐसे किए हैं कि ये ये ना ये हड़प कर सकते हैं ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं और ये सियासी जमातों ही ने किया 18th अमेंडमेंट इज़ एक्चुअली अ कंस्टिट्यूशनल रिवोल्यूशन दो सौ में से एक सौ दो शिकों को अमेंड किया ये फिर मौका मिलेगा तो फिर करेंगे फिर एक सौ पाँच में करेंगे। फिर, करेंगे फिर करेंगे फिर करेंगे तो सियासत होगी सियासत जिंदाबाद मुनम सियासत जिंदाबाद ये होगा और छोटी सी बात एक एक नौजवान में देखे अपने तो बड़ा खूबसूरत तो और बड़े आराम से और बड़ी से आप बैठी अपने बातें भी सुनी और आप थोड़ी सी जाहिर है कि इरिटेट भी हो गई कि ये हम बातें ये एक तो बात बहुत ज़रूरी है करना लोग समझते हैं ना कि शायद बात में कुछ नहीं है बस सिर्फ बातें सिर्फ बातें ही बातें सैयद काम करता था ऐसा नहीं है यहाँ पे बात करना जो सब जो जो जितना बड़ा काम है और कोई इतना बड़ा काम यहाँ पे नहीं है बात ही के ज़रिए लोगों को बात ही करने की वजह से लोग माना जाता है और नौजवान में एक दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है उस पर ज़रा गौर कीजिएगा कि ये जल जल नतज अखस करना जल जल कुछ हाथ आ जाए जल जल कुटा जाए ये जल जल्दी वाला काम नहीं है ये एक एक निस सदी की बात है दो चार बरस की बात नहीं ये बहुत लंबा अरसा है इस लंबे अरसे को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ा लंबा अरसा चाहिए ये नार्वे जो बना ये वाइकिंग्स वगैरह का वो नेटफ्लिक्स पे आता है ना वो पत्नी कौन से ज़माने की कहानियाँ चल रही थी ना वाइकिंग्स का वो और दूसरों का जो चलता है मेरा ख़्याल है चौदह सौ पंद्रह सौ साल से कहानियाँ आठ सौ साल से कहानियाँ तो कहीं जाके अब बना नारवे बना कहीं जाके अब ब्रिटेन बना ये ब्रिटेन पे भी बड़ी वो है ना ब्रिट्स और एंगल, एंगल, एंगल्स और सैक्सनस के दरमियान जो लड़ाइयाँ चल रही हैं तो इसको जरा तारीख में ये एक तो ये बात जहन में रखें कि ये दुनिया उन्नीस सौ बानवे में, में पैदा नहीं हुई नाइन्टीन नाइन्टी टू में दुनिया पैदा नहीं हुई और और उन नाइनटीन नाइनटीन नाइन्टी सिक्स में पाकिस्तान पैदा नहीं हुआ उससे कुछ पीछे की तरफ देख लिया करें तारीखी शूर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिर आप मायूस नहीं होंगे और आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपने बड़े एहतराम और बड़ी मोहब्बत के साथ हमें सुना और कोई ऐसा ऐसी बात भी नहीं की जिससे हम नाराज़ हो जाएं आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया